हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योमिट्स। तो आज के वीडियो में मैं आपको केमिस्ट्री में सॉल्यूशन का एमएसटी सीटी का 2023 का, जो कि पीसीएम के टोटल 12 पेपर्स हुए थे, पीसीबी के टोटल 12 पेपर्स हुए थे, तो उनमें इन 12 पेपर्स में सॉल्यूशन के जितने क्वेश्चंस आए हैं वो मैं पूरा आपको डिस्कस करने वाला हूँ। सारे क्वेश्चंस मैं बोर्ड पे लिखूंगा, उनमें से जो सेम और सिमिलर टाइप के क्वेश्चंस है वो आपको होमवर्क दूंगा, और सारे जो भी टाइप के क्वेश्चन है वो मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखना है। लास्ट ईयर सॉल्यूशन में हर पेपर में, मतलब वो चाहे पीसीएम सेक्शन का पेपर हो या पीसीबी सेक्शन का पेपर हो, टोटल 24 पेपर्स में 22 पेपर में सॉल्यूशन से तीन तीन क्वेश्चन आया, जबकि दो पेपर में दो दो, मतलब तीन क्वेश्चन सॉल्यूशन से फिक्स है सीटी में, ठीक है। और एमएसटी सीटी में जो रिपीट रेट है, मतलब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सेम या सिमिलर टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं, ऑलमोस्ट 70% क्वेश्चन तो सेम और सिमिलर टाइप के आते हैं। आप देखोगे अभी मैं 2023 का पेपर डिस्कस कर रहा हूं, इसमें भी आप देखोगे विद इन द ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए, वही सेम फॉर्मूले अलग अलग फेज में पूछ रहे। तो मतलब इस साल अगर 2024 में देखेंगे तो 2024 में भी यही फॉर्मूले पूछने वाले। तो आपको जो प्रीवियस ईयर के पेपर है ना, जो भी 2023 का प्रीवियस ईयर का पेपर है, बहुत ही अच्छे से करना है, ठीक है। तो आपको कहीं जाने का गरज नहीं है, आप पेन कॉपी लेके बैठो, मैं 70 क्वेश्चंस पूरे डिस्कस कर रहा हूँ, जो जो करा रहा हूँ वो सॉल्व करो, जो जो होमवर्क दे रहा हूँ वो वीडियो पॉज करो और तुरंत सॉल्व करो, ठीक है। और फिर अगर सॉल्व हो गया तो कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ कि हाँ सर सॉल्व हो गया है। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा एमएसटी सीटी के स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्योंकि इस वीडियो का कोई भी चार्जेस नहीं है, ये वीडियो बिल्कुल फ्री है। और पूरे फिजिक्स और केमिस्ट्री का आरंभ सीरीज के थ्रू हम एमएसटी सीटी 2023 के सारे पेपर डिस्कस करने वाले, मतलब चैप्टर वाइज पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको कहीं जाने का गरज नहीं है, ठीक है। दूसरा, हम लोग अपना जो भी व्हाट्सएप चैनल है योमिट्स, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस चैनल पे आप जाके सारे चैप्टर को पीडीएफ वाइज भी, जो एमएसटी सीटी 2023 का चैप्टर वाइज पीडीएफ का वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, वो डाउनलोड कर सकते हो। और साथ में वीडियो में तो मैंने क्वेश्चंस लिखे ही हैं, तो वीडियो में अगर आप देखोगे पूरा वीडियो तो सारे क्वेश्चन वैसे ही आपको मिल जाएगा, समझा क्या। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल नोटिफिकेशन बटन दबा दो, जिससे आपको आगे जो भी चैप्टर्स आ रहे हैं सबका वीडियो मिलते रहे। और मैं सारे स्टूडेंट्स को शेयर करो जो भी एमएसटी सीटी के हैं। मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूँ, मेरा नाम योगेश कुमार है, मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट हूँ फ्रॉम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जलगांव, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले मतलब अगर देखें तो पीसीएम सेक्शन के जो पेपर्स हुए थे वो 9 मई से टोटल 15 मई तक हुए थे, ठीक है, और हर दिन दो शिफ्ट थे, ठीक है। तो पहले तो हम पहले पीसीएम सेक्शन वाला पूरा डिस्कस करेंगे, फिर इसी वीडियो में पीसीबी सेक्शन का डिस्कस करेंगे, जो कि 15 मई से 20 मई तक था, ठीक है, 2023 में। चलो 9 मई शिफ्ट 1 की बात करें और 9 मई शिफ्ट 2, इन दोनों में दो दो क्वेश्चन आए थे, बाकी सब में तीन तीन आए, ठीक है। तो 9 मई शिफ्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन आया था, ठीक है, वो था 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज हैज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 4.9 एटीएम एट 300 केल्विन, व्हाट इज द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इफ इट हैज ऑस्मोटिक प्रेशर 1.8 एटमोस्फेयर एट सेम टेम्परेचर, ठीक है, एकदम सिंपल पूछा है। ऑस्मोटिक प्रेशर अगर आप देखोगे तो हर दो तीन पेपर में किसी ना किसी पेपर में आपको दिख ही जाएगा, ठीक है। तो इस साल भी बहुत ज्यादा चांसेस है कि ये वाला फॉर्मूला आएगा, सिंपल आपको सॉल्व करना है। तो आपको पता ही होगा जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को पाई से डिनोट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, पाई वी इक्वल टू एनआरटी, ठीक है। तो पाई इक्वल टू एन बाई वी इंटू आरटी, एन बाई वी को क्या बोलते हैं, मोलेडिटी, ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मोलेडिटी, नंबर ऑफ मोल और डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो मोलेडिटी इंटू आरटी इक्वल टू पाई, सिंपल है। आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसमें कॉन्सेंट्रेशन कैलकुलेट करना है, मतलब मोलेडिटी कैलकुलेट करना है। तो मोलेडिटी क्या हो जाएगा, पाई बाय आरटी, पाई कितना दिया हुआ है 1.5, आर का वैल्यू क्या होता है, जब प्रेशर एटीएम में होता है तो आर क्या होता है, 0.0821, बट पता है आपको ये रखने का गरज नहीं है, आप इसको 1/12 रखो, जिससे आपका कैलकुलेशन फटाफट हो जाए। तो आप 1/12 रखो और आपको टेम्परेचर कितना दिया हुआ है, 300 केल्विन, आप देखो कितना फटाक से कट गया, 1/12 रखा 0.082 को, तो जो टेम्परेचर है कट गया और कितना आ गया 25, तो 1.5 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या,
150 × 10⁻²⁶ × 10⁻²⁺ मतलब कौन सा ऑप्शन होगा 0.06 मोलर। समझा क्या आपको? तो हमेशा आपको R 1/12 रखना है, ये बात याद रखो। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं 9 में शिफ्ट 1 का ही है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। पता है एकदम सिंपल सिंपल फॉर्मूले आते हैं और यही फिक्स फॉर्मूले इस साल भी आने वाले, तो इन्हीं सम्स को आप प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, आपको थ्योरी आता है नहीं आता है कोई दिक्कत नहीं है, आप फॉर्मूले से पूरे एमसीक्यू से आपको फॉर्मूले रट्टे हो जाएंगे और याद हो जाएंगे। ठीक है, तो आप एमसीक्यू के थ्रू प्रिपेयर कर लो पूरा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 3.5 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। ठीक हैज बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 0.35 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम सिंपल है, ध्यान से देखो, उन्होंने सॉल्यूट दिया है, सॉल्यूट का वेट दिया है 3.5 ग्राम। ठीक है, सॉल्यूट का वेट दिया है और आपसे सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट पूछ रहा है, मोलर मास पूछ रहा है। सॉल्यूट को मैं 2 से डिनोट करता हूं, सॉल्यूशन में सॉल्यूट को 2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, और सॉल्वेंट को 1 से। तो सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो आपसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, जो सॉल्वेंट का जो मास है वो है 100 ग्राम, सॉल्वेंट का जो मास है वो 100 ग्राम है और बॉइलिंग पॉइंट जो एलिवेशन है डेल्टा टीबी वो आपको दिया है 0.35 केल्विन। ठीक है, तो ये सारे डेटाज हो गए और आपको के भी देखो इधर दिया ही हुए, तो अपने को क्या निकालना है, एम टू निकालना है। सबसे पहले देखो मैं इस एक में आपको फॉर्मूला डिराइव करके बता देता हूं, फिर वो चाहे डेल्टा टीबी हो या डेल्टा टीएफ हो। डेल्टा टीबी को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, इसका फॉर्मूला होता है के बी इंटू मोलेलिटी, मोलेलिटी रिटी नहीं मोलेलिटी। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, मोलेलिटी को थोड़ा सा डिराइव करते हैं, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट के बी इंटू मोलेलिटी, क्या होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में लिखना होता है, बट यहां तो ग्राम में दिया हुआ है, तो क्या वहां जाके हम पूरा ऐसा चेंज करेंगे फिर करेंगे, बहुत टाइम लगेगा। इसको यही डिराइव कर लो और उस फॉर्मूले को याद रख लो, क्या हो जाएगा के बी इंटू नंबर ऑफ मोल, क्या होगा वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, और डब्ल्यू वन क्या है वेट इन केजी, सॉल्वेंट का वेट केजी में, तो डब्ल्यू वन डिवाइड बाय उसको ग्राम में करना है तो डब्ल्यू वन डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा, और 1000 को भेजोगे तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 1000 तो ऊपर हो जाएगा डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। मतलब आपको डेल्टा टीबी का एक फाइनल फॉर्मूला याद रख लो। ठीक है, डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। एकदम सिंपल फॉर्मूला आपको याद रखना है। ये तो हो गया बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन का। इसके नीचे का सम देखो, जो नाइन्थ में शिफ्ट टू को आया है, मैंने सारे प्रॉब्लम्स लिख के रखे, देखो ये भी वही सम है, एकदम सेम सम है, बस यहाँ क्या है फ्रीजिंग पॉइंट है, तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू के एफ। के बी को क्या बोलते हैं इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, इसको क्या बोलेंगे क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट, के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय एम टू डिवाइड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। एकदम सिंपल है, अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा, और आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला याद रखो, डिराइव करने का लफड़ा मत रखो, मैंने आपको डिराइव करके बता दिया है। ठीक है, अब आप डायरेक्ट याद रख लो। अब सिंपल है, आपको क्या निकालना है एम टू निकालना है, तो एम टू क्या हो जाएगा मोलर मास, एम टू इक्वल टू के बी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय डेल्टा टीबी इंटू डब्ल्यू वन। एकदम सिंपल है, के बी कितना दिया है आपको, इधर लिखता हूं मैं, के बी कितना दिया है 2.5, डब्ल्यू टू कितना दिया हुआ है 3.5। पता है कैलकुलेशन बहुत ही इजी रहता है सीटी में, आप करोगे डायरेक्ट हो जाएगा, और 1000 को मल्टीप्लाइड है डिवाइड बाय डेल्टा टीबी कितना दिया है 0.35। ठीक है, और उसके बाद डब्ल्यू वन कितना दिया 100। देख रहे हो कैलकुलेशन ऐसा ही बनाते हैं कि जिससे फटाफट कैलकुलेट हो जाए, क्योंकि बच्चों के पास टाइम नहीं रहता है। तो 0.35 को अगर 3.5 से कट करोगे तो 10 आएगा, 10 को 100 से कट करोगे तो 10 आएगा, फिर 10 को 1000 से कट करोगे तो 100 आएगा, और 2.5 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 250 आएगा। मतलब इसका मोलर मास जो आएगा वो आएगा 250, 270, 260, 250। मतलब कि ऑप्शन सी क्या है, राइट है।
समझा क्या आपको? नेक्स्ट वाला समझो है वो आपके लिए होमवर्क है और आप अभी सॉल्व करोगे इसको, अभी आपको सॉल्व करना है, पॉज करो और नेक्स्ट वाले को सॉल्व करो। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं क्या लिखा है। अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड इज डिजोल्व बाय इज ऑब्टेन बाय डिजोल्विंग 1 ग्राम इन 100 ग्राम सॉल्वेंट। मतलब आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास 1 ग्राम और सॉल्वेंट का वेट कितना दिया हुआ है 100 ग्राम, ठीक है। डिक्रीजेस इट्स फ्रीजिंग पॉइंट बाय 0.3 केल्विन, डेल्टा टीएफ दिया हुआ है 0.3 केल्विन। कैलकुलेट क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ सॉल्वेंट, आपको केएफ कैलकुलेट करना है, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, ठीक है। इफ मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इज 60, सिंपल है, यहां आपको M2 बोला था बॉइलिंग पॉइंट वाले में, यहां फ्रीजिंग पॉइंट वाले में आपको केएफ बोला है सॉल्व करने को। फॉर्मूला दोनों का एक ही तरीके का होता है, बस यहां FF आ जाता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। समझा क्या आपको? तो ये आप तुरंत सॉल्व कर लो, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो सबसे पहले जो मैं लास्ट क्वेश्चन दिया था 9th में शिफ्ट 2 का पहला क्वेश्चन, उसका आंसर है 1.8, ठीक है। तो आपने अगर सॉल्व किया होगा तो आपका आंसर आ गया होगा। इनकेस अगर आपको डाउट है कि सर नहीं आया ये आंसर, आ गया है तो ठीक है, नहीं अगर आया कोई भी डाउट है तो मैंने अपने इंस्टा चैनल का भी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, क्वेश्चन का फोटो भेज सकते हो, मैं आपको सॉल्व करके क्वेश्चन भेज दूंगा। समझा क्या आपको? देखो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 9th में शिफ्ट 2 का, आपने देखा 9th में शिफ्ट 1 में ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन आया था, ठीक है। अब देखो शिफ्ट 2 में भी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन है, मतलब अभी हमने सिर्फ 2 पेपर किया है और दूसरे पेपर में क्वेश्चन रिपीट हो गया, ठीक है। क्या पूछा है इसमें? बस कुछ और निकालने बोला होगा, वहां मोलरिटी निकालने बोला था, यहां मोलर मास निकालने बोला है, ठीक है ना, निकल जाएगा, फॉर्मूला तो वही है। अ सॉल्यूशन ऑफ 8 ग्राम ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब आपको सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 8 ग्राम, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन 2 dm³ ऑफ वाटर, 2 dm³ ऑफ वाटर मतलब वॉल्यूम आपको दिया हुआ है 2 dm³। अच्छा हाँ, dm³ और लीटर में कोई डिफरेंस नहीं होता है, 1 dm³ का ही मतलब होता है 1 लीटर और 1 cm³ का मतलब होता है 1 ml। कंफ्यूज नहीं होने का कहीं dm³ वगैरह दिया है तो, ठीक है। डेवलप्स ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.6 atm, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, कितना है 0.6 atm एट 300 केल्विन टेम्परेचर, 300 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ कंपाउंड, मतलब सॉल्यूट का मोलर मास पूछा, एकदम सिंपल है। क्या पाई वी इक्वल टू nRT होता है? एकदम अच्छी बात है, पी वी की जगह हम पाई लिखते हैं, पी की जगह, तो क्या पाई वी इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू आरटी। आपको क्या चाहिए? मोलर मास चाहिए, तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला, M2 इक्वल टू W2 इनटू आरटी डिवाइड बाय पाई इनटू वी। W2 की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है, एकदम सिंपल तरीके से सॉल्व करना है अपने को, 8। आर की वैल्यू मैंने आपको बोला है, जब भी प्रेशर एटीएम में हो यार, आर की वैल्यू 0.082 है और प्रेशर एटीएम में है, वॉल्यूम dm³ में, तो आप हमेशा इसको 1/12 रखोगे, आपका फटाक से कट जाएगा, 0.082 नहीं रखना है, आप कॉम्प्लेक्स कर रहे हो अपना मल्टीप्लीकेशन। टेम्परेचर कितना दिया हुआ है अपने को, 300 केल्विन, तो फटाफट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, तो अपने को फटाफट भी तो करना है। और प्रेशर कितना दिया हुआ है आपको, 0.6 atm और वॉल्यूम आपको कितना दिया हुआ है, 2 dm³, तो एकदम सिंपल है, इसको 12 से कट करोगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा, ठीक है, और 2 को 8 से कट करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 100 डिवाइड बाय 0.6। समझा क्या आपको? तो आप इसको कैसा कर सकते हो, 100 डिवाइड बाय 6 × 10^-1, ऊपर गए तो 10^1, मतलब कि 1000 आ जाएगा, मतलब कट करोगे 1000 को 6 से, तो पहले तो 1, 4 से गए तो 6, फिर अगले 4 से गए तो 6, लगभग लगभग 160 के आसपास वाला जो भी ऑप्शन आपको दिख रहा है वो आपको टिक करना है। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन बी। समझा क्या आपको? ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें राइट होगा, 164 g/mol। आप देख रहे हो यही सेम फॉर्मूला अभी 9th में शिफ्ट 1 में भी पूछा था ऑस्मोटिक प्रेशर का। अच्छा अगला सवाल क्या पूछा है, एकदम थ्योरेटिकल सिंपल सवाल पूछा है, व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज इथाइल अल्कोहल इन वाटर। ये तो अपना फेवरेट है, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, इथाइल अल्कोहल इन वाटर, इथाइल अल्कोहल भी लिक्विड है, वाटर भी लिक्विड है, मतलब सॉल्यूशन किस टाइप का होगा, लिक्विड इन लिक्विड टाइप का होगा। जब आप सॉल्यूशन का चैप्टर पढ़ते हो तो सॉल्यूशन के चैप्टर में पहले ही पेज पे एक आपको क्लासिफिकेशन दिया हुआ है, टोटल कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं बेस्ड ऑन नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टोटल 9 टाइप के सॉल्यूशंस होते हैं, सॉलिड इन सॉलिड,
फिर सॉलिड लिक्विड, फिर सॉलिड गैस, ऐसे ही लिक्विड सॉलिड, फिर लिक्विड लिक्विड, फिर लिक्विड गैस, फिर उसे वैसे ही गैस सॉलिड, गैस लिक्विड और गैस गैस। जस्ट इनका आप एग्जांपल पढ़ लो, हो जाएगा आपसे एकदम। और आप सोच के भी टिक कर सकते हो। सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल क्या होगा? अलॉयज होगा, दो सॉलिड मेटल मिलके बनाते हैं, तो सॉलिड सॉलिड का एग्जांपल अलॉयज हो जाएगा, समझा क्या? सॉलिड लिक्विड का क्या एग्जांपल होगा? सी वाटर होगा, सॉल्ट सॉलिड है, वाटर लिक्विड है। तो आपको बेसिकली एकदम सिंपल सिंपल सोचना है, ठीक है? सॉलिड गैस का एग्जांपल क्या होगा? आयोडीन इन एयर, ठीक है? क्या एकदम सिंपल है, बिल्कुल। ये सारे एग्जांपल एक एग्जांपल रट लेना, और ये आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है और इन्होंने वही पूछा है, टेक्स्ट बुक के बाहर का एग्जांपल भी नहीं पूछते। और इथाइल अल्कोहल इन वाटर, ये तो अपना सारे लड़कों का फेवरेट होता है, तो ये तो पता ही होना चाहिए, ठीक है? नेक्स्ट देखो क्या लिखा है, फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो अभी आपने नाइन्थ में शिफ्ट टू का जो लास्ट सवाल था, जो मैंने पहला सवाल था, जो मैंने इधर लिखा था इसके पहले वाले स्लाइड में, तो आपने देखा होगा कि उसमें भी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का सवाल था, यहां भी वही सवाल आ गया। तो सबसे पहले तो आप उसका फॉर्मूला लिख दो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का। देखो मैं यहां सॉल्व कर रहा हूं, क्या होगा? डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ। इतनी बार अपन सॉल्व कर लेंगे ना ये फॉर्मूला, अपने को फॉर्मूला रटा जाएगा, कोई जरूरत नहीं है थ्योरी देखने का अपने को। डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ, बस आप मेरे साथ बैठ के सॉल्व करो, छह घंटे, दो घंटे मैं सॉल्व कर रहा हूं, दो घंटे आप मेरे साथ बैठ के सॉल्व कर लो, आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट। के एफ, और जो भी होमवर्क दिया वो भी करो, के एफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय डब्ल्यू वन, ठीक है? हाँ बराबर है, बराबर है। के एफ देन और इंटू एम टू, क्योंकि ये सॉल्यूट है ना, तो मोलर मास भी होगा। तो क्या फॉर्मूला हो गया? अब सॉल्व क्या करना है, फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब डेल्टा टी एफ ही फाइंड करने को बोला है। When 3.2 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, W2 अपने को दिया हुआ है कितना, 3.2 विथ मोलर मास 128, उसका मोलर मास कितना दिया है 128, ठीक है? इस डिजोल्व इन 80 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट का मास कितना दिया है 80, ठीक है? इफ क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज 4.8, KF आपको कितना दिया है 4.8 इंटू 1000। अच्छा आपको लग रहा है सोल्यूशन बहुत ही कठिन है, ये भी बहुत इजी है, चलो मैं इसको थोड़ा सा कन्वर्ट कर देता हूं। इन 2000 है नहीं, इसको मैं अगर मैं 3.2 को, देखो मैं इसको ऐसा लिखता हूं, इन 2000 को मैंने ऐसा लिखा है 100 इंटू 10, तो 3.2 को मैंने 100 से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा 320, 4.8 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 48, और फिर ये आ गया 80 इंटू 128, एकदम सिंपल है। 80 से 320 कितने टाइम्स गया, 4 टाइम्स गया, ठीक है? फिर उसके बाद 48 इंटू 4 कितना होगा, 192 होगा, 192 डिवाइड बाय 128, 128 का डबल कितना होता है 256, और अगर आप देखोगे तो 128 से 64 टाइम्स, 64 ज्यादा है, मतलब ये कितना होगा 1.5 होगा। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन बी, समझा क्या आपको? बहुत ही सिंपल सवाल है। देखो आप क्रायोस्कोपिक का आपको दूसरा क्वेश्चन भी दिख ही गया, ठीक है? नोट कर लो इसको और समझ लो अच्छे से। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 10th में शिफ्ट 1 का लास्ट क्वेश्चन है, 10th में शिफ्ट 1 में टोटल 3 क्वेश्चन आए थे, थर्ड वाला है। तो अगर मैं बात करूं तो 9th में शिफ्ट 1, शिफ्ट 2 में 2-2 क्वेश्चन है, बाकी के जो 22 शिफ्ट है उसमें 3-3 क्वेश्चन है। तो लास्ट ईयर 24 जो पेपर्स हुए थे सीटी के सारे शिफ्ट लेके, उसमें टोटल 70 एमसीक्यू आए टोटल सॉल्यूशन से, तो मतलब हर शिफ्ट में 3 का एवरेज है, फिक्स है, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, 3 मार्क्स आपको फिक्स दे देगा और बहुत इजी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, ठीक है? विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन एग्जिबिट लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन। आपको बोल रहा है कि डेल्टा टीबी सबसे कम किस ऑप्शन के लिए होगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम किसके लिए होगा? आपको पता है क्या याद रखना है, जिसका आई ज्यादा होगा वन टॉप फैक्टर और जिसका मोलेलिटी ज्यादा होगा उसी का सबसे ज्यादा होगा। देखो मैं आपको ये तो फॉर्मूला मैंने बता ही दिया है, अब आपको मैं एकदम सिंपल बता, उसका सबसे ज्यादा होगा और जिसका ये सबसे कम होगा उसका डेल्टा वी भी सबसे कम होगा, लेकिन यहां आपने को कम वाला बताना है, एकदम सिंपल है। मुझे बताओ AlCl3 में टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे, अगर आप तोड़ोगे तो Al+3 3Cl-, मतलब कि टोटल 4 मॉलिक्यूल होंगे। और 0.1 मोलल का मतलब क्या है, 0.1 मोलल का सिंपल मतलब है, इसको मैं मोलल बोल रहा हूं, मोलल, ठीक है? मोलेलिटी को मोलल भी बोलते हैं, तो
0.1 मोलर का मतलब क्या होगा, 0.1 मोल ऑफ डिवाइड बाय 1 किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट, टोटल कितने पार्टिकल है, 4, तो 0.1 × 4 मतलब 0.4 मोल, इसके 0.4 मोल है, तो सबसे ज्यादा जिसके आएंगे ना उसका सबसे ज्यादा होगा, और जिसका सबसे कम रहेगा वो सबसे कम रहेगा, तो अपने को सबसे कम वाला बताना है। नेक्स्ट क्या है, 0.01 मोलर MgCl2, MgCl2 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, Mg+2 2Cl-, टोटल कितने 3, और ये कितना दिया 0.01 मोलर, मतलब कि मोल भी कितने होंगे 0.01 मोल, मतलब कैलकुलेट करोगे तो कितना मोल आएगा 0.03 मोल। देखो इसके मोल सबसे कम आए, इसके मोल सबसे कम आए, आप ऐसा बोल सकते हो डेल्टा टी बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, इसके मोल अभी इन दोनों में तो अभी तक इससे कम है, इसका 0.4 है, इसका 0.03। KCl मतलब K+ और Cl-, मतलब टोटल कितने पार्टिकल, 2, और 1 मोलर मतलब 1 मोल, ठीक है, तो 1 × 2 कितना हो जाएगा 2, इसके टोटल 2 मोल आए। 0.5 मोलर NaCl, NaCl में कितने पार्टिकल, 2, Na+ एंड Cl-, और 0.5 मोलर का मतलब 0.5 मोल, मतलब कि इसका क्या जाएगा 1 मोल आ जाएगा। बताओ सबसे कम मोल किसका है, इसका 0.4 है, इसका 2 है, इसका 1 है, इसका 0.03 है, तो जिसका मोल कम उसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट भी कम, आपसे क्या पूछा है, लोएस्ट वैल्यू ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, मतलब कि कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी, समझा क्या आपको, तो फाइनल आपको क्या याद रखना है, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, सिर्फ आप क्या याद रख लिया करो, नंबर ऑफ मोल निकाल दिया करो टोटल करके, समझा क्या। नेक्स्ट देखो, तो आपको यहां निकालना है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल, वो भी आपको निकालना है। नेक्स्ट अब बात करते हैं 10th में Shift 2 का, 10th में Shift 2 में पहला क्वेश्चन क्या पूछा है, उन्होंने लॉ पूछा है डायरेक्ट, द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस मतलब एस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस, किसी भी लिक्विड का जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है गैस के प्रेशर से, आइडेंटिफाई द लॉ फॉर दिस स्टेटमेंट, अरे तो बहुत ही फेमस लॉ है, बोर्ड में भी बहुत बार पूछा है, हेनरीज लॉ, सिंपल क्या है हेनरीज लॉ। अब आप देख रहे हो कितना, मतलब कितना आलसी है सीटी वाले, कि वही सेम क्वेश्चन का अब न्यूमेरिकल भी आपको दे दिया, क्या दिया है, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ पार्शियल प्रेशर इज 0.18, प्रेशर आपको दिया है 0.18 एंड हेनरीज कॉन्स्टेंट आपको दिया हुआ है, तो क्या होगा जब इस प्रोपोर्शनल को हटाओगे, तो सॉल्युबिलिटी इक्वल टू KH × P, आपसे क्या पूछा है, सॉल्युबिलिटी पूछा है, हेनरीज कॉन्स्टेंट आपको दिया है 0.16, मैं इसको ऐसा लिख देता हूं 1.6 × या फिर इसको 16 लिख देता हूं, 0.16 को 16 × 10^-2, और प्रेशर कितना दिया है आपको, देखो उधर दिया ना 0.18, तो 0.18 को मैं लिख देता हूं 18 × 10^-2, 18 × 16 कितना होगा 180 होगा, और ये 108 होगा, मतलब कि 288 हो जाएगा, ठीक है, तो 288 × 10^-4, अगर आप इसको निकालोगे तो कितना आ जाएगा, और इसको अगर निकालोगे तो 0.0288 आ जाएगा, मतलब 0.029 ऑप्शन ए, समझा क्या, बहुत ही इजी क्वेश्चन था 10th में Shift 2 में, ये दोनों क्वेश्चन तो काफी इजी है, ठीक है, समझा क्या आपको। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 10th में Shift 2 का जो थर्ड क्वेश्चन है, आप देखो वो भी क्वेश्चन ऑस्मोटिक प्रेशर से ही आया है, ठीक है, तो मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर ऐसा मान लेना चाहिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर अपने को अच्छे से पढ़ना है, उसका फॉर्मूला पढ़ लो और उसपे जितने भी MCQs सब सॉल्व कर लो, आपको वही आने वाला है, बस डेटा चेंज हो जाएगा, ठीक है। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, पाई आपको पूछा हुआ है, मैं आपको समझा दे रहा हूं, आपको सॉल्व करना है, ठीक है, ऑफ 1.7 ग्राम CaCl2 वेट आपको दिया हुआ है सॉल्यूट का 1.7 ग्राम इन 1.25 dm³ वाटर, वी आपको दिया हुआ है 1.25 dm³, टेम्परेचर आपको दिया हुआ है 300 केल्विन, इफ वांट ऑफ फैक्टर एंड मोलर मास, वांट ऑफ फैक्टर आपको दिया हुआ है आई, जिसको हम आई से डिनोट करते हैं, वो दिया हुआ है आपका आई का CaCl2 का 2.47, और आई का जो मोलर मास दिया हुआ है सॉलिड को हम 2 से डिनोट करते हैं, याद रखो 111 रिस्पेक्टिवली, और आपको R 0.082 बोला है, मैंने आपको बोला आप 1/12 रखोगे अभी साहब, क्योंकि जब भी ATM में हो, एकदम सिंपल है, वैसे तो फॉर्मूला क्या होता है, पाई बी इक्वल टू NRT होता है, बट आज इसको क्या लिखोगे, पाई बी इक्वल टू INRT, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर भी इन्वॉल्व किया है इसने,
जहां से इन्वॉल्व नहीं करते वहां हम वन मानते और वन मान के सॉल्व कर देते, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, आपको निकालना है बेसिकली क्या है, पाई निकालना है, ठीक है। बट आपको एन वगैरह थोड़ी दी है तो आप उसके फॉर्म में कन्वर्ट कर दो ना, पाई इक्वल टू आई इंटू एन को क्या लिख सकते, वेट ऑफ सॉल्यूट आर टी, इधर आर टी हो गया, और एन का फॉर्मूला क्या होगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और ए इंटू वी, समझा क्या आपको। तो अब आपको बस जस्ट वैल्यू रखना है, आई का वैल्यू कितना हो जाएगा 2.47, डब्ल्यू टू आपको कितना दिया हुआ है, वेट 1.7, आर आपको सिंपल 1/12 रखोगे, आप हमेशा देखना 1/12 आर आप रखोगे तुरंत ही टेम्परेचर कट जाता है, और टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है। फिर उसके बाद एम टू कितना दिया हुआ है 111, और वॉल्यूम आप देखोगे तो कितना दिया 1.25, ठीक है। मैं करा देता हूँ क्योंकि आपको लग रहा होगा कठिन है और सर ऐसा हमें ये वाला दे दिया, बट मैं बता देता हूँ। देखो ये 12 है, 300 है तो 25 आ जाएगा, 12 को 300 से हटाए तो, फिर ये 1.25 है, 2.47 है, मतलब ये लगभग लगभग 2.5 है, 1.25 है, मतलब ये 2 टाइम्स चले जाएगा, ठीक है। 25 इंटू 2 कितना होगा, 50 हो जाएगा, और 50 का गुणा 1.7 में किया तो कितना हो जाएगा, 85 हो जाएगा, समझा क्या। तो 85 डिवाइड बाई 111, अगर आप देखोगे तो ऐसा बोल सकते हैं कि ये 75 है और ये 100 है, ऐसा बोल सकते हैं। तो 85 डिवाइड बाई 111 अगर आप देखोगे तो आपका 0.75 के आसपास आंसर आएगा जब आप कट करोगे, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन बी, समझा क्या आपको। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा जब भी ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन आएगा तो आपको थोड़ा सा सॉल्व करना रहेगा, बट सॉल्यूशन के तीनों क्वेश्चन में एक क्वेश्चन ही जनरली ज्यादा सॉल्व करने वाला रहता है, बाकी दो एकदम इजी रहते हैं। चलो टेंथ में शिफ्ट 2 के तीनों क्वेश्चन हो गए, अब बात करते हैं 11th में शिफ्ट 1 का। तो आपने बुक पे लेके बैठे हो ना, सिर्फ आपको वीडियो नहीं देखना है, जो मैं पढ़ा रहा हूं आपको नोट करना है, सॉल्व करना है अच्छे से। आप जब सॉल्व करोगे तो आपके दिमाग में और बैठेगा, यहां मैं बोल भी रहा हूं साथ में आप सॉल्व भी कर रहे हो तो आपको और दिमाग पे जाएगा, समझा क्या, ठीक है। जब हम विजुअलाइज करके वीडियो देख के ऐसे सॉल्व करते हैं, बैठ के नहीं समझ में आया पॉज कर लिया, पीछे देख लिया, नहीं लग रहा है मेरा आवाज स्लो है तो 1.5 पे देखो, बट आराम से पूरा अच्छे से बुक पेन लेके बैठ के देखो, समझा क्या आपको। देखो 11th में शिफ्ट 1 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम पी से डिनोट करते हैं, P1 से, ठीक है। कंटेनिंग 1 मोल ऑफ, पी से भी डिनोट किया तो भी चल जाएगा, कंटेनिंग 1 मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। आपको नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, W2 से, उसका वेट कितना दिया 36, 1 ग्राम सॉल्यूट का मोल दिया है एक्चुअली 1 मोल, और वेट किसका दिया है, सॉल्वेंट का W2 कितना दिया हुआ है आपको 36 ग्राम, वाटर का वेट आपको दिया हुआ है 36 ग्राम, और आपको सॉल्यूशन का प्रेशर निकालना है, ठीक है। और आपको सॉल्वेंट का प्रेशर आपको दिया हुआ है 32 mmHg, एकदम सिंपल सवाल है, बहुत ही इजी है, मैं आपको इसका फॉर्मूला बता रहा हूं, आप इसको निकाल लेना, बहुत ही इजी है। देखो क्या होगा, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो सबसे पहले क्या होता है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सॉल्वेंट का प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का डिवाइड बाय सॉल्वेंट का इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, और मोल फ्रैक्शन क्या होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होगा, N2 डिवाइड बाय, मतलब सॉल्यूट का मोल डिवाइड बाय सॉल्वेंट का प्लस सॉल्यूट का मोल, सिंपल है। P1 नॉट आपको दिया हुआ है, P1 नॉट आपको दिया हुआ है, P1 नॉट आपको दिया है, P आपको निकालना है, ठीक है। N2 आपको दिया हुआ है 1 मोल, और वाटर का वेट कितना दिया 36 ग्राम, तो वाटर का मोल निकाल दो कितना होगा N1 36, वाटर क्या है, सॉल्वेंट है ना, तो इसको 1 से डिनोट करेंगे, तो वाटर का मोल क्या आ जाएगा 36 डिवाइड बाय 18, 2 मोल वाटर आ गया, तो आपको N2 भी मिल गया, N1 भी मिल गया, P1 नॉट दिया है, P निकालना है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा, समझा क्या आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्या लिखा है 11th में शिफ्ट 1 का ही, ये आपके लिए होमवर्क है। देखो मैंने अब तक सिर्फ दूसरा होमवर्क दिया है, ठीक है, बाकी सारे मैंने कराए और इसमें भी मैंने सब बता दिया, बस आपको जस्ट सॉल्व करके आंसर निकालना है, ठीक है, आपका भी प्रैक्टिस होना चाहिए।
नेक्स्ट, विच अमंग फॉलोइंग सॉल्ट सो डिक्रीज इन सॉल्युबिलिटी विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। एकदम सिंपल है, इसका आंसर आएगा Na2SO4। पता है ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसमें राइट होगा, बट इसमें और भी कुछ सवाल पूछ सकते हैं। देखो बाकी के सॉल्ट का क्या होता है वो मैं आपको बताता हूं। देखो टोटल तीन टाइप है सॉल्ट का। सबसे पहला है NaCl, फिर है KCl और फिर है NaBr। दूसरा है NaNO3, KNO3 और KBr। तीसरा है Na2SO4। टोटल तीन कैटेगरी के सॉल्ट मैंने यहां लिखे हैं। NaCl, KCl और NaBr में टेम्परेचर जब आप बढ़ाओगे तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो स्लाइटली इंक्रीज होगा। NaNO3, KNO3 और KBr में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका जो सॉल्युबिलिटी है वो एप्रिसिएबली इंक्रीज होगा। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी एप्रिसिएबली इंक्रीज होगा, मतलब आपको दिखेगा कि ठीक ठाक इंक्रीज हुआ है। लास्ट है Na2SO4। Na2SO4 में जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जो आपका सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगा। और यहां क्या पूछा है कि किसका टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज हो जाएगा, तो Na2SO4 रहेगा सही ऑप्शन, ऑप्शन ए राइट है। मतलब सर आप ये कहना चाहते हो कि मेरे को सिर्फ इन 7 सॉल्ट का याद रखना, हाँ सिर्फ इन 7 सॉल्ट का याद रख लो, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। अगर इन्होंने Na2SO4 यहां पूछा ना तो आगे अभी जब मैं शिफ्ट वाले क्वेश्चन कराऊंगा ना कहीं इनके भी कुछ ना कुछ पूछा ही रहेगा वो, समझा। तो इन तीनों में टेम्परेचर बढ़ाने के साथ सॉल्युबिलिटी अप्रिसिएबली इंक्रीज होगा, ठीक ठाक इंक्रीज होगा। NaCl, KCl, NaBr में स्लाइटली इंक्रीज होगा और Na2SO4 में डिक्रीज हो जाएगा। आपको याद रखने का अच्छा तरीका बताओ, ClCl स्लाइटली इंक्रीज, NO3 अप्रिसिएबली इंक्रीज और बाकी बचा BrBr का, एक NaBr स्लाइटली इंक्रीज और KBr अप्रिसिएबली इंक्रीज और Na2SO4 का तो डिक्रीज ही होता है। समझा क्या आपको MCQ? ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले जो मैंने होमवर्क दिया था वो प्रेशर वाला, प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वाला 11th में शिफ्ट 1 का क्वेश्चन, उसका ऑप्शन डी राइट है। ठीक है, तो अगर आपने सॉल्व किया, अगर आपका ऑप्शन डी आया तो आप राइट हो, सीधा फॉर्मूला ही रखना है, आएगा, आप सॉल्व करो अच्छे से आएगा, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ फॉर्मूला लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, सॉल्व करके आंसर आना चाहिए, नहीं तो मतलब क्या है अटेम्प्ट करके। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 21.44 mmHg। ठीक है, अगर आपको सॉल्व करने के बाद भी नहीं है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 11th में शिफ्ट 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है। मैं अगर बोलूं ना, अब तक मुझे पूरे MHTCET में अब तक जितने क्वेश्चन सॉल्व किए ना, सॉल्यूशन में एक ही क्वेश्चन लगा कि जो थोड़ा ढंग का है, बाकी सब तो ऐसा है कि सिर्फ फॉर्मूला बेस है, सिर्फ थ्योरेटिकल बेस है, सीधा सीधा आपको आता है, आप सीधा सीधा अटेम्प्ट कर सकते हो। एक अच्छा क्वेश्चन आया, मैं इसको अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में रखता हूं। क्या बोल रहे हैं, इफ KB डिनोट्स द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट ऑफ वाटर, मतलब आपको KB दिया हुआ है, ठीक है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, इसको मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं या इबिलियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट भी बोलते हैं। देन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एक्वेस सॉल्यूशन, आपको एक्वेस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, TB पूछा है आपसे। ठीक है, जो सॉल्यूशन होता है उसको हम लोग TB से डिनोट करते हैं, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, और जो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट होता है उसको हम TB नॉट से डिनोट करते हैं। यहां आपसे किसका पूछा है, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो उसको हमने डिनोट किया TB से। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, कंटेनिंग 36 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का आपका वेट दिया है W2 = 36 ग्राम। अच्छा कुछ नहीं बोला है तो डेंसिटी देखो, यहां उन्होंने वाटर का जो वेट है वो नहीं दिया है। ठीक है, तो अगर कुछ नहीं बोला है तो डेंसिटी 1 मान के वाटर का जो आप वेट लिखोगे वो कितना लिखोगे, 1000 ग्राम, 1000 ग्राम, इतना समझा क्या। ठीक है, और आपको पता ही है सॉल्वेंट का कितना होगा टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। आपको निकालना क्या है, टीबी निकालना है, केबी आपको दिया हुआ है, केबी का वैल्यू केबी ही दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, क्या होता है फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल टू, अब देखो डायरेक्ट लिखना सीखो क्योंकि मैंने इसको डिराइव कर दिया पहले क्वेश्चन में बता दिया, अब डायरेक्ट लिखना सीखो, इसका अभी तीसरा सम चल रहा है, तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू W2 वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू 1000
डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वही मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये मोलर मास ऑफ सॉल्यूट है। समझा क्या इसको, हमने डिराइव करके इसको बताया, अगर नहीं याद है तो फिर से वीडियो पीछे करो और देखो। तो केबी, तो केबी ही दिया हुआ है, डब्ल्यू टू कितना दिया हुआ है 36, और ये तो 1000 है ही। एम टू कितना दिया हुआ है, एम टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट 180, ग्लूकोज का 180 होता ही है ना, ग्लूकोज है, और डब्ल्यू वन कितना 1000, जब कुछ ना बोला हो तो डेंसिटी 1 मान के 1000 रख देने का, ठीक है, 1000 से 1000 चटक गया, ठीक है। 36 डिवाइड बाय 180 करोगे तो कितना आ जाएगा, अगर आप 36 को 180 से डिवाइड कर दोगे कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा डेल्टा टीवी का, डेल्टा टीवी की आपकी वैल्यू आ जाएगी केबी बाई 5, केबी बाई 5। बट आप ध्यान से देखो, यहां केबी लिखा है, यहां 2KB लिखा है, यहां केबी बाई 10 लिखा है, यहां 2KB/10 लिखा है, तो कहीं भी केबी बाई 5 नहीं लिखा है। बट अगर आप इसको देखोगे 2KB/10, तो 2 से कटेगा 10, तो वही तो हो जाएगा केबी बाई 5। तो क्या केबी बाई 5 को मैं ऐसा लिख सकता हूं 2KB/10, चलता है। तो ये अपना डेल्टा टीबी आ चुका है, डेल्टा टीबी आ चुका है, टीबी अपने पास पहले से है, टीबी नॉट वो तो अपने को पता ही होता है कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, क्योंकि टीबी नॉट मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, वो तो अपने को पता ही 100°C, टीबी आपसे पूछा है, तो डेल्टा टीबी का फॉर्मूला रख दो। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, टीबी माइनस टीबी नॉट, आपसे पूछा क्या है, टीबी पूछा है, तो टीबी की वैल्यू क्या हो जाएगी, टीबी नॉट प्लस डेल्टा टीबी, और टीबी नॉट की वैल्यू कितनी है 100, और डेल्टा टीबी का वैल्यू क्या है 2KB/10°C। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। समझा क्या आपको, देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ऐसा है कि बहुत ही रेयर ऐसा क्वेश्चन आएगा जो थोड़ा सा ढंग से अच्छा क्वेश्चन पूछ ले, तो ऐसा मत समझो कि सर अब क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन फिर से आएगा तो आप अटेम्प्ट कर सकते हो सकता है इसी को KF के फॉर्म में पूछे, मतलब वहां फ्रीजिंग पॉइंट ला दे, बट अगर ऐसे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो अब आप अटेम्प्ट कर सकते हो। समझा क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आ गया 11th में सिप टू, देखो पेपर चेंज ऑस्मोटिक प्रेशर आ जाएगा, मतलब हर फेज में ऑस्मोटिक प्रेशर इनको पूछना ही पूछना है। 11th में सिप टू का पहला सवाल है कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर, इस बार आपको कैलकुलेट करना है क्योंकि मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर के सारे न्यूमेरिकल के आंसर्स आपको सॉल्व करके बताया, इस बार आप करोगे, बट मैं आपको फिर भी पूरा समझा देता हूं। क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर सॉल्यूशन, मतलब आपको यहां मोलरिटी दिया हुआ है, मोलरिटी कितना दिया हुआ है 0.2 मोलर KCl सॉल्यूशन ऑफ 0°C, ठीक है 0°C, 0°C दिया मतलब कि टेम्परेचर दिया है टी, कितना मानोगे टी, अगर 0°C है तो 273 केल्विन हो जाएगा ना, सिंपल। इफ वॉन्ट ऑफ फैक्टर फॉर KCl इज 1.83, मैंने बोला है अगर वॉन्ट ऑफ फैक्टर सामने से दे तो लिखने का, 1.83 उन्होंने दिया है सामने से तो लिख देंगे फॉर्मूले में, और R का तो मैंने आपको बोला है 0.082 रखो ही मत, 1/12 रखो, जब भी प्रेशर क्या हो एटीएम में हो और आपको एटीएम में ही रहेगा। तो पाई का फॉर्मूला क्या होता है, पाई वी, देखो मैं कितनी बार इसको डिराइव करके बताऊं, जैसे पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है वैसे क्या होगा, पाई वी इक्वल टू आई इंटू एनआरटी, क्यों, क्योंकि बॉन्ड ऑफ फैक्टर दिया हुआ है। लेकिन क्या यहाँ एन या वी के फॉर्म में आंसर है, नहीं मोलरिटी के फॉर्म में, और मोलरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल डिवाइड बाय वॉल्यूम, क्या हो जाएगा पाई इक्वल टू आई इंटू मोलरिटी इंटू आरटी, एकदम सिंपल है, आई आपको दिया हुआ है, ठीक है आई 1.83 दिया हुआ है, मोलरिटी आपको दिया हुआ है 0.2 मोल, आर आपको दिया हुआ है 1/12 और वो पता ही होना चाहिए, नहीं दिया तो भी पता होना चाहिए, और टी आपको दिया है 0°C, 0°C तो रख नहीं सकते, केल्विन में रखना होता रख दो 273 आ जाएगा इस पर। समझा क्या आपको, तुरंत वीडियो पॉज करो और फटाफट पहले इसको सॉल्व करो, समझा क्या, जगह पे सब करना है आपको। नेक्स्ट क्या पूछा है, 11th में सिप 2 का क्वेश्चन है, देखो यही फॉर्मूला पूछा है, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 1.5 ग्राम इन 30 ग्राम सॉल्वेंट, आपको क्या दिया हुआ है, सॉल्यूट का मास दिया हुआ है 1.5 ग्राम, सॉल्वेंट का भी मास आपको दिया हुआ है 30 ग्राम, कोई दिक्कत नहीं है ना,
हैज बॉलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीबी भी आपको दिया हुआ है 0.65 के, ठीक है। कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट इफ मोलर मास ऑफ सोल्यूट इज 150 ग्राम पर मोल। सोल्यूट का मोलर मास भी आपको दिया हुआ है 150 ग्राम पर मोल। और आपसे पूछा है मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट बोलो या इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट बोलो, क्या फाइंड करने को बोला है आपको? केबी। एकदम सिंपल है, सीधा दिख रहा है, ये वाला फॉर्मूला लिखो और आपको केबी निकालना है, यही वाला सेम फॉर्मूला है, समझा क्या आपको? तो इसका और इसका आंसर अभी आप फटाफट पहले सॉल्व करके निकालो, समझा क्या आपको? ठीक है, अब अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो सबसे पहले जो 11th में शिफ्ट 2 के मैंने दोनों क्वेश्चंस लिखे थे, इसमें 1.95 जो केल्विन है वो राइट है, और इसमें क्या बोलते हैं 8.28 एटमॉस्फेयर, दोनों का ऑप्शन ही राइट है जो अभी मैंने आपको सॉल्व करने को दिया था, ठीक है। समझा तो दिया ही था, आंसर भी बता दिया, फिर भी आपको कोई डाउट है आप मुझे इंस्टा पे मैसेज करके पूछ सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं 11th में शिफ्ट 2 का थर्ड क्वेश्चन, एकदम थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को बताने से पहले मैं आपका थ्योरी पार्ट पूरा क्लियर कर देता हूं। देखो अगर आपने ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखा है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन का थ्योरी भी आपको क्लियर हो जाएगा, पूरा सॉल्यूशन का थ्योरी एमसीक्यू के जरिए क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं तो दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है आइडियल सॉल्यूशन और एक होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में जो हीट होता है मिक्सिंग, चेंज इन हीट मिक्सिंग के बाद वो क्या होता है, जीरो होता है। मतलब अगर आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, ना हीट एब्जॉर्ब करता है ना ही हीट रिलीज करता है। अब जब आप दो 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 को दो कंपोनेंट मिक्स करोगे तो उसमें ना हीट एब्जॉर्ब होगा ना रिलीज होगा, तो डेल्टा एच की वैल्यू क्या आएगी, जीरो आएगी। उसी तरह आइडियल सॉल्यूशन में वॉल्यूम भी चेंज नहीं होता आफ्टर मिक्सिंग, वो भी जीरो ही रहेगा, समझा। मतलब अगर आपने मान लीजिए कि चेंज इन वॉल्यूम मिक्सिंग के बाद वो जीरो ही आएगा, मतलब अगर मान लीजिए कि आपने एक का दो वॉल्यूम लिया है दूसरे का तीन वॉल्यूम लिया है तो आंसर 5 ही आएगा, दोनों का सम ही आएगा, चेंज नहीं होगा, चेंज जो फाइनल चेंज आएगा वो जीरो ही आएगा, जितना आप ऐड करोगे उतना ही काउंट होगा। और आइडियल सॉल्यूशन जो होता है वो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करता है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन इस चीज को फॉलो नहीं करता है। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल क्या होता है, बेंजीन प्लस टोल्विन, बेंजीन प्लस टोल्विन जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल होता है। तो ये सारा चीज आपको आइडियल सॉल्यूशन के बारे में याद रखना है। दूसरा, आइडियल सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो हमेशा जो दोनों कंपोनेंट को आप मिक्स करते हो, जैसे मान लीजिए आपने कंपोनेंट 1 मिक्स किया कंपोनेंट 2 मिक्स किया तो उसके बीच का ही वैल्यू रहेगा, जैसे मान लीजिए इसकी वैल्यू 10 है इसकी वैल्यू 20 है तो इसकी वैल्यू 10 से 20 के बीच में रहेगी, समझा क्या। अब आता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में दो है, एक तो पॉजिटिव डेविएशन वाला है एक तो नेगेटिव डेविएशन वाला है। पॉजिटिव डेविएशन वाला, पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, दोनों ही सबसे पहले तो दोनों राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते, ओबे नहीं करते, जबकि आइडियल करता है ओबे करता है। और पॉजिटिव डेविएशन में क्या होगा, हमेशा जो वेपर प्रेशर है प्योर कंपोनेंट से तो ज्यादा ही रहेगा, जो भी आप दो कंपोनेंट्स ऐड किए उनमें से उन दोनों से हमेशा उसकी वैल्यू ज्यादा रहेगी। जबकि नेगेटिव डेविएशन, जो नॉन आइडियल में नेगेटिव डेविएशन है उसमें प्योर कंपोनेंट से हमेशा जो सॉल्यूशन की वैल्यू रहेगी वो कम रहेगी। अब आता है इनके एग्जांपल्स की बात करूं तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है इथेनॉल एंड एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। जबकि नेगेटिव डेविएशन के दो एग्जांपल है आपको, एक तो है एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, एक तो है फिनॉल एंड एनिलीन, समझा क्या। तो आपको टेक्स्ट बुक में से आइडियल एंड नॉन आइडियल का थ्योरी पढ़ लेना है, इससे फिक्स एमसीक्यू हो सकता है आपको एमसीक्यू आ जाए, अभी आगे भी देखना इसका एमसीक्यू आएगा ही आइडियल और नॉन आइडियल का, समझा क्या। चलो अभी स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या लिखा है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। मतलब अपने मैंने चार स्टेटमेंट लिखा उनमें से फॉल्स क्या है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। पहले स्टेटमेंट क्या लिखा है, आइडियल सॉल्यूशन ओबे राउल्ट्स लॉ ओवर एंटायर रेंज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, बिल्कुल सही बात है, जो आइडियल सॉल्यूशन होता है राउल्ट्स लॉ को ओबे करते हैं। सेकंड क्या लिखा है, नो हीट इज इवॉल्व्ड और एब्जॉर्ब्ड व्हेन टू कंपोनेंट्स फॉर्मिंग एन आइडियल सॉल्यूशन, सही बात है। अगर दो कंपोनेंट आप जोड़ोगे तो ना ही दो कंपोनेंट आपने मिक्स किया तो अगर वो आइडियल सॉल्यूशन है तो ना हीट इवॉल्व होगी ना ही एब्जॉर्ब होगी, सिंपल बात है, डेल्टा एच जीरो। देखो मैंने लिखा है वॉल्यूम ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज सेम एज सम ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू कंपोनेंट्स टेकन फॉर मिक्सिंग,
हाँ देखो ना वही है, जैसे मैंने दो कंपोनेंट मिक्सिंग के लिए क्या लिया है, एक टू लिया एक थ्री लिया, जो 2 + 3 = 5 मतलब इनके सम के बराबर होगा, लेकिन चेंज जो होगा वो क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि चेंज थोड़ी हुआ। 2 + 3 अगर 6, अगर 2 + 3 8 क्या होता है, किसी तरीके से नॉन आइडियल है, और अगर 6 हो गया होता तो एक का चेंज आता, बट यहाँ आइडियल में ऐसा नहीं होता, समझा क्या। नेक्स्ट, द वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सोल्यूशन इज आइदर हाइयर और लोअर देन द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट, नहीं जो यही रॉन्ग है और अपने को रॉन्ग ही पूछा है, मतलब ऑप्शन डी क्या है राइट है, जो वेपर प्रेशर होता है आइडियल सॉल्यूशन का वो दोनों प्योर कंपोनेंट के बीच का होता है, ठीक है, ना कि हायर और लोअर। हायर किस में होता है, पॉजिटिव डेविएशन में, और लोअर किस में होता है, नेगेटिव डेविएशन में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नॉन आइडियल पे भी आ सकता है, प्लीज एक बार जाके थ्योरी पढ़ लो और एग्जांपल्स देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया, अभी ये क्वेश्चन 9th में का शिफ्ट 1 है, शिफ्ट 2 में ही हमने देखा था, और अभी मुश्किल से हमने 4 या 5 पेपर डिस्कस किया है और क्वेश्चन रिपीट हो गया, देख रहे हो। तो विधि ने ये रिपीट होगा तो नेक्स्ट इस साल तो आएगा ही आएगा। देखो क्या लिखा है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज अ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। सिंपल, मैंने आपको बोला था बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पहचानना है, तो आप क्या करो, डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल निकालो, सब में आप नंबर ऑफ मोल निकालने का ट्राई करो, जिसका जिसमें नंबर ऑफ मोल कम उसका डेल्टा टीवी भी क्या होगा, कम होगा। सबसे पहले 0.1 मोलल NaCl, मोलल है तो मतलब 0.1 मोलल मतलब 0.1 मोल इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, मतलब कि इसका मोल कितना होगा 0.1, और क्या है NaCl है तो NaCl कितना आयन देगा, 2 आयन देगा, तो 0.1 × 2 मतलब 0.2 मोल आ जाएगा इसका टोटल। फिर क्या दिया, 0.2 मोलर KNO3, KNO3 किस में टूटेगा, K+NO3-, तो ये भी कितना आयन देगा, 2 आयन ही देगा, तो 0.2 × 2 कितना आ जाएगा, 0.4 मोल। देखते जाओ आप सबसे कम किसका है, NaCl का 0.2 आया, KNO3 का 0.4 आया। नेक्स्ट, Na2SO4 क्या देगा, 2Na+ + SO4-2, तो टोटल इसमें 3 आयन दिया और 0.1 इधर से आ जाएगा, तो 0.1 × 3 कितना आ जाएगा, 0.3 मोल। नेक्स्ट है CaCl2 क्या देगा, Ca+2 + 2Cl-, मतलब टोटल कितने आयन होंगे, 3, और मोल कितना है, 0.05, तो टोटल मोल कितना आ जाएगा, 0.15 मोल। तो सबसे कम तो यही हुआ ना, ये देखो ये 0.15 है, ये 0.3 है, ये 0.4 है, ये 0.2 है, तो सबसे कम कौन है, CaCl2। और यहाँ मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन पूछा है, मतलब ऑप्शन डी क्या है, राइट है। सेम क्वेश्चन, सेम टाइप का क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया, समझा क्या। और ऑस्मोटिक प्रेशर तो भाई पढ़ के जाओ, आपको दिख रहा ऑस्मोटिक प्रेशर हर पेपर में पूछता है, जैसे सॉलिड स्टेट में रेडियस का और एज लेंथ का रिलेशन हर पेपर में पूछता है, डेंसिटी का फॉर्मूला हर पेपर में पूछता है, हर पेपर में दो फॉर्मूले सॉलिड स्टेट में पूछता है, वैसे सॉल्यूशन में ऑस्मोटिक प्रेशर पूछता है। एकदम सिंपल है, क्या लिखा है मैं आपको बता दे रहा हूं, आप कैलकुलेट करोगे आंसर आपका आएगा, ठीक है। क्या लिखा है, कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 0.025 मोल ग्लूकोज, ठीक है, इन 100 ml वाटर एट 300 केल्विन, आर आपको दिया है 1/12, आर मैंने आपको जानबूझकर बोला है 1/12 रखने को, क्यों, क्योंकि भाई 0.082 से जो कैलकुलेशन वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, एन आपको दिया हुआ है 0.025 मोल, बट पता है वॉल्यूम आपको ml में दिया है, जबकि आपको किसमें करना रहता है, DM³ में करना रहता है, वॉल्यूम कितना दिया है 100 ml दिया है, तो 100 × 10⁻³ DM³ हो जाएगा, ml में दिया है, अपने को DM³ या लीटर में करना होता है, DM³ को ही लीटर बोलते हैं, और टेम्परेचर 300 केल्विन दिया है, टेम्परेचर आपको कितना दिया है 300 केल्विन दिया हुआ है, और r आपको 1/12 दिया है, आप कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, pi = pi v = क्या होता है nRT, सब आपको गिवेन है, pi = ny v × RT, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, और जो आंसर आपका आएगा वो 6.15 आना चाहिए कैलकुलेशन के बाद, ठीक है। और अगर कोई कैलकुलेशन में दिक्कत हो रही तो मैसेज करके पूछ सकते हो, और याद रखो कोई भी क्वेश्चन जस्ट फॉर्मूला लिख के नहीं छोड़ना है, कैलकुलेशन का प्रैक्टिस होना चाहिए एग्जाम में, क्योंकि वहां आपको कैलकुलेशन फटाफट करना है, आपने फॉर्मूला लगाया और आंसर नहीं है तो क्या मतलब है, वहां तो ऑप्शन में तो फॉर्मूला लिखा नहीं रहेगा ना, फाइनल आंसर लिखा रहेगा ना। तो सबको, जो भी बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पूरा एंड तक आपका रिजल्ट आना चाहिए, आंसर आना चाहिए, समझा गया आपको, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 12th में
शिफ्ट वन का जो थर्ड क्वेश्चन आया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा है, कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन। मोलैलिटी आपको फाइंड करने बोला है सॉल्यूशन का, ठीक है। हैविंग बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डेल्टा टीवी आपको दिया हुआ है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन मतलब क्या, डेल्टा टीवी कितना दिया है 1.89 केल्विन। इफ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट बोलो या इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट बोलो, उसकी वैल्यू क्या दिया है 3.15 के केल्विन किलोग्राम पर मोल। और हाँ, कभी कभी पता है यूनिट पूछ लेता है, केबी का यूनिट बताओ, केएफ का यूनिट बताओ, दोनों का यूनिट वही होता है भाई, केल्विन किलोग्राम पर मोल। तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन अगर आ गए ना, सिटी में कुछ भी पूछता है तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ गए तो गलत तो नहीं होना चाहिए, याद रखो, ठीक है। हर एक छोटी चीज पढ़ के जाओ, बड़ी बड़ी चीज छोड़ के जाओ, छोटी चीज पढ़ के जाओ, सिटी में टॉप करोगे, एकदम सिंपल रूल है। देखो इधर क्या आएगा, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम। एम क्या होगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय केबी। डेल्टा टीवी का वैल्यू कितना है 1.89 और केबी का वैल्यू कितना है 3.15। अगर मैं इसको मान लू 1.8 और इसको मान लू 3 तो आंसर क्या आ जाएगा 0.6। कौन सा ऑप्शन राइट है, ऑप्शन सी। अब देखो एकदम नेक्स्ट वाला सवाल जो है वो 12th में शिफ्ट 2 का फर्स्ट सवाल है। इसमें क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वॉटर। देखो ये हेनरी वाला सवाल पूछ लिया, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन वॉटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इफ पार्शियल प्रेशर इज 0.346 bar and KH आपको दिया हुआ है। प्रेशर दिया हुआ है, KH दिया हुआ है, क्या आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। अभी जस्ट वीडियो पॉज करो, पहले इसको सॉल्व करो, उसके बाद इस पे आना, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ। देखो अगर आप ये लेक्चर पूरा अच्छे से देखते जाओगे आपके सारे फॉर्मूले खत्म हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। एक होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीबी, एक होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जिसको हम लोग बोलते हैं डेल्टा टीएफ। लेकिन जब आप इनका फॉर्मूला देखोगे तो इसका फॉर्मूला होता है टीबी माइनस टीबी नॉट और इसका फॉर्मूला होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ। फर्क है दोनों में, टीबी क्या है सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट, टीएफ क्या है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और टीबी नॉट क्या है सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट, टीएफ नॉट क्या है सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सर इसमें फॉर्मूले याद कैसे रखे, कंफ्यूज अगर हो गए तो आपको सॉल्यूशन से सोचना है। इसका नाम क्या होता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। एलिवेशन मतलब बढ़ना, किसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट बढ़ना। तो अगर सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पड़ेगा तो सॉल्यूशन पहले आएगा, सॉल्वेंट बाद में आएगा। इसका नाम क्या होता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेस होना, किसका डिप्रेस होना, सॉल्यूशन का डिप्रेस होना, मतलब सॉल्यूशन डिप्रेस हो गया ना तो पीछे चला जाएगा, सॉल्यूशन पीछे आगे इधर आएगा और सॉल्वेंट पहले आ जाएगा, समझा क्या। तो एटलीस्ट इस फॉर्मूले में तो कभी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। क्या आपको समझा, तो इसको लिख लो अच्छे से, याद रख लो। अच्छा मैं लिख देता हूं, मिटा दिया मैंने। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी नॉट और डेल्टा टीएफ इक्वल टू टीएफ नॉट माइनस टीएफ, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 12th में शिफ्ट 2 में भी एकदम इजी सा सवाल है, 0.1 मोलर मोलरिटी आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी आपको दिया है 0.15 मोलर। एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ केसीएल फ्रीजेस एट -0.51 डिग्री सेल्सियस। यहां इसने ये नहीं दिया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यहां इसने दिया एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ केसीएल, मतलब इसने दिया टीएफ कितना दिया है -0.51 केल्विन। कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर फॉर केसीएल, आई आपसे पूछा है, मैंने आपको कहा है अगर वांट ऑफ फैक्टर दिया है तो आप फॉर्मूले में आई एड कर दिया करो, नहीं दिया है तो आई को वन मान लेते हैं इसलिए ऐड नहीं करते, ठीक है। और केएफ आपको दिया हुआ है 1.86 और आई आपको कैलकुलेट करना है, एकदम सिंपल फॉर्मूला है। देखो मैं यहां कर रहा हूं, क्या होगा फॉर्मूला होगा डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू एम इंटू केएफ, क्योंकि यहां आई दिया हुआ है इसलिए हम यहां आई लिख रहे हैं, आई अगर उल्टा तो यहां पूछा है ना आई, इसलिए हम आई लिखते हैं। जब आई कुछ नहीं बोलता आई के बारे में तो वन मान लेते हैं। डेल्टा टीएफ क्या होता है टीएफ नॉट माइनस टीएफ इक्वल टू आई एम केएफ। फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा जीरो होगा, -0.51 माइनस ऑफ इक्वल टू आई का वैल्यू निकालना है और एम का वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको 0.15 और केएफ का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है 1.86। तो एक कितना आ जाएगा, देखो ना इधर 0.51 इक्वल टू आई इंटू
0.15 इंटू 1.86, ठीक है। अगर 0.15 को 0.51 से काटोगे तो लगभग लगभग 3.3 आएगा, ठीक है, 3.3 आएगा। और 3.3 को 1.86 से अगर कट करोगे तो लगभग लगभग आपका आंसर 1.8 या 1.9 के आसपास आना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा? ऑप्शन सी। समझा क्या आपको? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान से आप देखो, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले जो मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में जो सेकंड क्वेश्चन लिखा था हेनरीज लॉ का, उसका जो आंसर है वो है 0.055, ठीक है। तो अगर आपका आया है तो सही है, ठीक है, और आ जाएगा, आप अच्छे से करो आ जाएगा, ठीक है, सिर्फ मल्टीप्लाई तो करना है, ठीक है। नेक्स्ट एकदम थ्योरेटिकल सवाल पूछा है, द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ एनी वोलेटाइल कंपोनेंट ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट मल्टीप्लाइड बाय इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज, सिंपल है, राउल्ट्स लॉ है, ठीक है। तो ऑप्शन सी है राइट है, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। वेपर प्रेशर से रिलेटेड जो लॉ है वो ऐसा भी सोचोगे तो भी आप टिक कर दोगे, राउल्ट्स लॉ, समझा क्या। अब बात करते हैं, ये तो था 12th में शिफ्ट 2 का थर्ड क्वेश्चन, अब बात करते हैं 13th में शिफ्ट 1 का। अब आप देखोगे ना, अब मैं जितने मतलब मैं आपको अभी जो 20 में तक जितने भी क्वेश्चंस कराऊंगा ना, आपको ऑलमोस्ट सारे के सारे रिपीट होते हुए दिखेंगे। मतलब मैंने सोचो अभी तक सिर्फ 8 या 7-8 पेपर बताए, 7-8 पेपर के बाद ही क्वेश्चन रिपीट होना स्टार्ट हो गए, तो आपके एग्जाम में तो हो गई 2024 में। इसलिए आप इसको प्लीज अच्छे से करो, मैं कितनी बार ये बात बोल रहा हूँ, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन ऑफ अ 5.6 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सॉल्यूट को हम किससे डिनोट करते हैं, 2 से, कितना दिया है 5.6 ग्राम, इन 50 ग्राम सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को हम किससे डिनोट करते हैं, W1 से, हैज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 1.75 केल्विन, डेल्टा टीवी कितना दिया है 1.75 केल्विन, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मोलर मास मतलब 2 से डिनोट करते हैं ना उसको, और आपको केबी दिया हुआ है, उधर देखो 3 दिया हुआ है केबी का, तो एकदम सिंपल है, मैंने आपको ये फॉर्मूला बोल दिया था, रट लो, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2, सिंपल है। आपसे क्या पूछ रहा है, M2 पूछ रहा है, तो M2 क्या हो जाएगा, केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू डेल्टा टीबी, सारा वैल्यू दिया हुआ है, आप सॉल्व कर लो। ऐसे टाइप के मैंने 3-4 क्वेश्चन पहले भी सॉल्व करा चुका हूं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर, अभी थोड़ी देर पहले ही ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, ठीक है, 1 से 2 स्लाइड पहले, कैलकुलेट वांट ऑफ फैक्टर ऑफ K2SO4 इज 0.1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 इज फ्रीजेड एट -0.3 डिग्री सेल्सियस एंड क्रायोस्कोपिक कॉन्स्टेंट इज 1.86, सिंपल है, डेल्टा TF इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, आपको क्या कैलकुलेट करना है, I इक्वल टू डेल्टा TF डिवाइड बाय KF इंटू M, और आपको पता है डेल्टा TF क्या होगा, 0 माइनस ऑफ 0.43, मतलब ये ओवरऑल आप इसका माइनस हटा दो और डायरेक्ट रख दो, 0.43 डिवाइड बाय KF आपको दिया ही हुआ है 1.86 और M आपको दिया हुआ है 0.1 मोलर, सिंपल, इसको कैलकुलेट कर लो, ठीक है। तो ये दोनों को आप अच्छे से कैलकुलेट करो, पहले आप आंसर निकालो, ठीक है, मैं आपको पूरा समझाऊंगा, मैं शुरू में आपको कैलकुलेशंस भी बताऊंगा बहुत सारे क्वेश्चंस का, बट कुछ के कैलकुलेशंस आपको खुद करने, क्योंकि कैलकुलेशन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से होना चाहिए, समझा क्या आपको, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, तो सबसे पहले मैं उन दोनों क्वेश्चंस के आंसर बता देता हूं जो पहले थे, इस जो वांट ऑफ वाला था उसका 2.3 था और जो उसके पहले था वो 192 ग्राम पर मोल है, ठीक है, मोलर मास, तो ऑप्शन ए दोनों में राइट है जो इसके पहले मैंने दिया था, तो अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया होगा तो आंसर आपका आ गया होगा, ठीक है। अब मैं बात करता हूं 13 में शिफ्ट 1 का जो थर्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन बोल सकते हैं, मतलब एकदम इजी है, बस थोड़ा सा समझने जैसा है, व्हाट इज द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मतलब आपसे क्या पूछा है, केबी पूछा है, इफ 1 ग्राम मोल ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज डिजॉल्व इन 1 किलोग्राम ऑफ अ इथाइल एसीटेट, मतलब आपको सॉल्वेंट का भी मास दिया हुआ है W1, 1 किलोग्राम मतलब कितना 1000 ग्राम, क्योंकि हमने फॉर्मूला पहले ही डिराइव किया ग्राम में रखने के लिए, ठीक है, और डेल्टा टीवी की वैल्यू आपको क्या दी हुई है, एक्स केल्विन,
ठीक है, एकदम सिंपल है सॉल्व करना। क्या होता है डेल्टा टीबी का फॉर्मूला, डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय एम टू इंटू डब्ल्यू वन। बट सर ना हमें एम टू दिया है ना डब्ल्यू टू दिया है, आपको आपको वेट दिया है। डब्ल्यू टू क्या दिया है, जो आपका सॉल्यूट है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, उसका आपको मास दिया हुआ है, कितना दिया है 1 ग्राम मोल। और ये जो 1 ग्राम मोल होता है ना, इसका मतलब ही क्या होता है, अगर कभी भी किसी सॉल्यूट किसी का भी मास अगर लिखा है 1 ग्राम मोल, मतलब कि वो किसके बराबर है, 1 मोल के बराबर है, मतलब उसके मोलर मास के बराबर है। 1 ग्राम मोल मतलब 1 मोल के बराबर, मतलब उसके मोलर मास के बराबर है। तो डब्ल्यू टू की भी वैल्यू क्या होगी, एम टू हो गई। ठीक है, तो अपने को किसका निकालना है, केबी का निकालना है। तो केबी का तो पहले फॉर्मूला बना लो, केबी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी इंटू एम टू इंटू डब्ल्यू वन डिवाइड बाय डब्ल्यू टू इंटू 1000। एकदम सिंपल है, सॉल्व कर दो। डेल्टा टीबी कितना दिया हुआ है, एक्स केल्विन दिया हुआ है, एम टू तो एम टू ही है, और डब्ल्यू वन कितना दिया, 1000 ग्राम। ठीक है, डब्ल्यू टू कितना दिया, एम टू के बराबर 1 ग्राम मोल, और 1000 यहाँ नीचे भी है, 1000 से 1000 कट गया, एम टू से एम टू चटक गया। आफ्टर चटका चटकी क्या होगा, के बी इक्वल टू एक्स केल्विन किलोग्राम पर मोल। मतलब कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए। समझा क्या आपको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, 13 में शिफ्ट 2 में जो भी तीनों क्वेश्चंस मैंने लिखे, ये भी 13 में शिफ्ट 2 का ही है, 13 में शिफ्ट 2। पता है तीनों क्वेश्चंस हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं, तीनों का तीनों कवर हो गया है, ठीक है, रिपीट हो गया है क्वेश्चन। क्या पूछा है, इफ अभी ये तो थोड़ी देर पहले ही पढ़ा, इफ 0.01 मोलल एक्वेस सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट फ्रीजेस एट -0.056 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। क्या होगा, डेल्टा टी एफ इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी एफ डिवाइड बाई के एफ इंटू एम। और मैंने आपको बोला है कि क्या होता है फॉर्मूला, क्या हो जाएगा, टी एफ नॉट माइनस टी एफ, तो आप और हटा दो उसको, डायरेक्ट माइनस हटा के रखोगे तो क्या आ जाएगा, और हटाने से अच्छा डायरेक्ट माइनस हटा दो, 0.056 डिवाइड बाय के एफ कितना दिया है, 1.86 इंटू एम कितना दिया हुआ है, 0.01, मतलब कि 10^-2। समझा क्या, तो एकदम सिंपल है ये, आपको पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। तो अगर इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आपका आंसर आएगा 3। ठीक है, सॉल्व कर लेना क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या दिया है इसी में शिफ्ट 2 में, देखो ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, मैंने पहले ये क्वेश्चन पढ़ाया था, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट एग्जिबिट इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन सॉल्युबिलिटी एंड टेम्परेचर। कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। मैंने आपको बताया था ना Na2SO4 ऐसा सॉल्ट है जिसमें टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, या टेम्परेचर घटाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। मतलब कैसा रिलेशन हुआ, इनवर्स रिलेशन हुआ। ये तो हो गया Na2SO4 के बारे में। उसके अलावा मैंने बताया था जितने भी Cl वाले सॉल्ट है, जैसे कि KCl, NaCl और एक Br वाला NaBr, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनमें स्लाइटली इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी। और जितने भी NO3 वाले सॉल्ट है, जैसे कि KNO3, NaNO3 और Br में क्या जाएगा, KBr, टेम्परेचर बढ़ाने पे इनका ठीक ठाक इंक्रीज होता है, एप्रिसिएबली इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी। समझा क्या, तो इन सातों सॉल्ट के अलावा आपको कुछ पूछेगा ही नहीं बाहर का, ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा Na2SO4 पूछेगा। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन तो उससे भी इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोलैलिटी ऑफ अ सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग अ बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन 7.15 केल्विन। डेल्टा टीबी आपको दिया हुआ है 7.15 केल्विन एंड मोलल एलिवेशन कांस्टेंट केबी आपको दिया हुआ है 2.75। ठीक है, पूछा गया है आपको मोलैलिटी, पूछा है तो वही हो गया ना, डेल्टा टीबी इक्वल टू के एफ इंटू एम, तो मोलैलिटी क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय के एफ क्या हो जाएगा, 7.15 डिवाइड बाय 2.75। तो कितना आंसर आ जाएगा, अगर 2.75 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 5.5 तक जाता है, मतलब कि 2 से थोड़ा सा ज्यादा होगा, मतलब कि 3 तो नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि अगर 2.75 को 3 टाइम्स करेंगे तो 8.25 होना चाहिए, मतलब 3 से कम वाला कौन सा ऑप्शन है और 2 से ज्यादा वाला 2.6। समझा क्या आपको, मतलब कि ऑप्शन सी क्या है, राइट है। समझा क्या,
और इसका आप सॉल्व करोगे तो आपको 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, 14 में शिफ्ट 1 के मैंने इधर 3 क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, ठीक है। तो 14 में शिफ्ट 1 में जो पहला क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अपने को रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या करना है, कैलकुलेट करना है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन, बेंजीन क्या इधर सॉल्वेंट है, एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है, ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन बेंजीन आर 640 एंड 590। तो बेंजीन जो है वो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को हम लोग P1 नॉट से डिनोट करते हैं। सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर दिया वो कितना दिया है 640, और सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर दिया वो कितना दिया है 590। अच्छा, अब मैं बात करूं रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर की, तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइडेड बाय वेपर प्रेशर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट जो कि यहां बेंजीन है। और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का क्या फॉर्मूला होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट कितना दिया है 640 माइनस 590 डिवाइड बाय कितना 640, कितना आ जाएगा 50/640, ठीक है। इसको अगर मैं 5000 करूं तो कितना हो जाएगा 10^-2। अगर आप 600 का देखो मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है 4800, 8 टाइम्स। तो इसको भी अगर मैं लगभग लगभग मान लूं कि 8 टाइम्स अगर जा रहा है तो अगर ये 8 टाइम्स जाएगा तो आंसर क्या होना चाहिए 8 होना चाहिए, और 8 × 10^-2 कितना होना चाहिए 0.08। ऐसा ऑप्शन देखो जिसमें 0.08 के आसपास का ऑप्शन हो, ये देखो ऑप्शन ए, समझा क्या आपको, ठीक है। बहुत ही इजी सम है, अच्छा सम है, इसलिए मैंने एक बार एक्सप्लेन कर दिया इसको, और एक फॉर्मूले को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है तो आपको समझ में आ गया होगा। ऑलमोस्ट हमने इतने सारे सम्स कर लिए ना कि अपना थ्योरी भी रट्टा हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट सम की बात करूं, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। सेम सम पूछ रहा है, फिर से वही सेम सम, डेल्टा टीएफ। क्या होता है डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला, केएफ इंटू डब्ल्यू टू इंटू 1000 डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। डब्ल्यू टू क्या है, वेट ऑफ सॉल्यूट, एक है मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। केजी में रहता है बट मैंने उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप ग्राम में ही रखो, ठीक है। अब आपको क्या दिया है, डब्ल्यू टू दिया हुआ है कितना 4 ग्राम, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या दिया है, मोलर मास भी दिया हुआ है एम टू 126, ठीक है। डिजोल्व इन 80 ml वाटर, सॉल्वेंट का उसने वॉल्यूम दिया है ना कि वेट चाहिए अपने को, सॉल्वेंट का मास चाहिए बट उसने तो वॉल्यूम दिया है, क्या कोई दिक्कत है, नहीं। इसका मास भी कितना होगा 80 ग्राम ही होगा, क्यों, क्योंकि वाटर का जो डेंसिटी होता है वो कितना होता है 1 होता है, तो जो इसका वॉल्यूम है 80 ml वही इसका मास भी होगा 80 ग्राम, ठीक है। तो W1 कितना हो गया 80 ग्राम, ठीक है। M2 आपके पास है, W2 आपके पास है, W1 आपके पास है, KF आपके पास है, आप इसको सॉल्व कर लो, आपका डेल्टा TF आ जाएगा, क्योंकि ये सारे सब हमने बहुत बार कर चुका है। और वैसे भी आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में। टोटल आपको 90 मिनट्स होते हैं 1.5 आवर, और आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं, तो आपका कैलकुलेशन बहुत मैटर करता है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम इजी क्वेश्चन पूछा है 14 में शिफ्ट 1 में, बट पता है ये वाला क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं, बस छोटा सा हमें थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बस इसलिए। क्या बोल रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, देखो एक तो होता है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ये होता है कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, या मैं ऐसा भी बोल सकता हूँ रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलो या रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बोलो, ये दोनों ही कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बट अगर मैं बोलूं सिर्फ वेपर प्रेशर, क्या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नहीं। उसी तरह आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, बिल्कुल एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, बट बॉइलिंग पॉइंट कोई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। और इसने क्या पूछा, कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, तो ऑप्शन बी राइट है। फटाफट एक बार फ्रीजिंग पॉइंट भी देख लेते, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, बट फ्रीजिंग पॉइंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होता है। यहां डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिखा हुआ है, मतलब ये है, और ऑस्मोटिक प्रेशर भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होता है, समझा क्या आपको, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन बी राइट रहेगा,
थोड़ा ध्यान से सारी क्वेश्चंस देख के करना, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन 14 में शिफ्ट 2 के मैंने तीन क्वेश्चंस लिखे। देखो जो सीटी का जो पीसीएम सेक्शंस के एग्जाम होते वो 9th में शिफ्ट 1 से स्टार्ट हुआ था 2023 में और 14 में शिफ्ट 2 तक हुआ था, टोटल 12 पेपर्स। तो मैंने पीसीएम सेक्शन के सारे डिस्कस कर लिए। और देखो यहां मैंने पहला क्वेश्चन 15 में शिफ्ट 1 का लिखा है, तो अब पीसीबी सेक्शन का भी स्टार्ट हो जाएगा जो कि 15 में शिफ्ट 1 से लेके 20 में शिफ्ट 2 तक है, मतलब इसके भी टोटल 12 पेपर्स है। तो टोटल 24 पेपर्स हम पूरा सॉल्यूशन का डिस्कस कर लेंगे एट द एंड ऑफ वीडियो, ठीक है। अब बात करते हैं 14 में शिफ्ट 1 का, शिफ्ट 2 का सबसे पहला क्वेश्चन, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 15 ग्राम इन 200 ml ऑफ वाटर। मतलब आपको सॉल्यूट दिया हुआ है, कितना दिया है सॉल्यूट का वेट 15 ग्राम और सॉल्वेंट का आपको वॉल्यूम दिया है जो कि वाटर है 200 ml। तो आपको भी पता है वाटर का डेंसिटी क्या होता है 1 ग्राम पर ml, तो वाटर का वेट भी क्या होगा 200 ग्राम। हैज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा टीएफ दिया हुआ है आपको 0.75 केल्विन। कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, आपको सॉल्यूट का मोलर मास कैलकुलेट करना है m2। इफ क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट kf की वैल्यू कितनी है 1.86। एकदम सिंपल है, वही फार्मूला यूज करना है। कौन सा यूज करना है, डेल्टा टीएफ इक्वल टू kf इनटू w2 इनटू 1000 डिवाइड बाय m2 इनटू w1। अब m2 कितना होगा, m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी kf इनटू w2 इनटू 1000 डिवाइड बाय W1 into delta TF, KF कितना दिया हुआ, चलो मैं सॉल्व कर देता हूं, बट ये बहुत बार मैंने यही सब सॉल्व कर दिया इसी तरीके का। KF कितना है 1.86, W2 कितना है 15 ग्राम और 1000 डिवाइड बाय W1 कितना है 200 और डेल्टा TF कितना है 0.75। एकदम सिंपल है, 200 को 1000 से कट के कितना आएगा 5 आएगा, 0.75 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 1.5 और 1.5 और इस पे कितना है 10 टाइम्स है, मतलब ये टोटल कितना होगा 20 टाइम्स। 20 इंटू 5 कितना होगा 100, 1.6 इंटू 100 कितना आ जाएगा 186 कोई भी ऑप्शन में है क्या, ऑप्शन सी। समझा क्या आपको, बहुत ही इजी सम है, इस टाइप का सम फिक्स आता है। नेक्स्ट सेम सम आ गया, हेनरीज लॉ का आपका टोटल 6 प्रॉब्लम देख रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो सोचो विधि ने ये रिपीट हो रहा है तो इस साल भी यही समय आएगा, इसलिए आपको सिर्फ इतना ही करके जाना है। नेक्स्ट देखो, व्हाट इज द हेनरीज लॉ कांस्टेंट, आपसे हेनरी लॉ का कांस्टेंट पूछा है इस बार, के पूछा है KH, ठीक है। इफ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस इज 0.028, एस आपको दिया है 0.028, पी भी आपको दिया हुआ है 0.346, फॉर्मूला क्या होता है एस इक्वल टू केपी, तो K क्या हो जाएगा S by P, आप निकाल लेना आंसर आ जाएगा आपका। और आप अभी निकालो, वीडियो पॉज करो, आंसर निकालो, ऑप्शन ए आपका आना चाहिए कैलकुलेशन करने के बाद, ठीक है। तो इसका ऑप्शन ए आएगा, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो वही सेम टाइप का क्वेश्चन, मैंने बोला था ना आपका जो सॉल्यूशन का चैप्टर है उसके फर्स्ट पेज पे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन दिया है, टोटल 9 टाइप्स के सॉल्यूशन होते हैं सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के नेचर के बेस पे, सॉलिड सॉलिड, सॉलिड लिक्विड, सॉलिड गैस, लिक्विड सॉलिड, लिक्विड लिक्विड, लिक्विड गैस, फिर गैस सॉलिड, गैस लिक्विड, गैस गैस। तो आपको पढ़ना है इसमें क्या बोला है, व्हाट टाइप ऑफ फॉलोइंग सॉल्यूशन इज गैसोलीन, गैसोलीन किस टाइप का, गैसोलीन में दोनों ही लिक्विड होता है, लिक्विड अगर दोनों ही लिक्विड है तो लिक्विड सॉलिड भी है और लिक्विड सॉल्वेंट भी है, मतलब ऑप्शन ए क्या है राइट है। प्लीज जाके पढ़ लो, एकदम सिंपल है, जैसे सॉलिड सॉलिड में अलॉयज हो जाएगा, फिर उसके बाद आता है सॉलिड लिक्विड में सी वाटर हो जाएगा, उसके बाद सॉलिड गैस में आयोडीन इन एयर हो जाएगा, बस ऐसे ही सिंपल सिंपल है। लिक्विड लिक्विड में क्या होगा, गैसोलीन होगा, इथेनॉल इन वाटर हमारा सबसे फेवरेट, तो ये सब एकदम सिंपल है, कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या पूछा है, तो ये पूरा मैंने पीसीएम सेक्शन के सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर दिए, 34 प्रॉब्लम्स आए थे पीसीएम सेक्शन में लास्ट ईयर सॉल्यूशन से, सारे के सारे हमने डिस्कस कर दिए, सारे का सारा मैंने बोर्ड पे भी लिखा है और उनमें से बहुत सारे मैंने सॉल्व कराए और सेम टाइप के कुछ आपको होमवर्क में दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब आता है 15 में शिफ्ट 1 का पीसीबी सेक्शन से स्टार्ट होता है, इसमें भी देखो ऑस्मोटिक प्रेशर पूछे, सेम सम
कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.2 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट एट 300 केल्विन और आर की वैल्यू दिया है। आर की वैल्यू मैंने आपको बोला है 0.082 नहीं रखना है, 1/12 रखना है। तो सिंपल क्या हो जाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई बी इक्वल टू एन आर टी, बट यहां मोलरिटी दिया है तो पाई इक्वल टू एन बाई वी इंटू आर टी, और एन बाई वी क्या होता है, मोलरिटी होता है, पाई इक्वल टू मोलरिटी इंटू आर इंटू टी, एकदम सिंपल है। 0.2 क्या दिया है, मोलरिटी दिया है, और आर कितना होता है, 1/12 होता है, ठीक है। और टेम्परेचर कितना दिया, 300, तो 1/12 को 300 से कट करोगे कितना आ जाएगा, 25, और 25 को 0.2 से 25 आ जाएगा, और 25 को 0.2 से करोगे तो लगभग लगभग 5 आना चाहिए। 5 के आसपास कौन सा आंसर है, ए नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं, देखो डी 4.928 मस्ट बी। देखो अगर आप 0.082 रखते तो आपका एग्जैक्ट 4.92 आता, लेकिन भाई वो कैलकुलेशन बहुत टाइम जाएगा, इससे अच्छा 1/12 रखो 0.082 को, समझा क्या आपको, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 15 में शिफ्ट 1 का मैंने सेकंड और थर्ड प्रॉब्लम लिखा है, ठीक है। फर्स्ट मैंने इसके पहले वाले स्लाइड में डिस्कस कर लिया। देखो ये जो सेकंड प्रॉब्लम है ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसका आंसर मैं बता देता हूं, ऑप्शन डी हेनरी लॉ का ही क्वेश्चन है, कितने बार एक ही सर हम डिस्कस करें, ठीक है, एकदम सिंपल है, आप ट्राई करो आएगा आपका आंसर, ऑप्शन डी आपको हेनरीज कॉन्स्टेंट पूछा है, ठीक है। लेकिन जी इसके बाद वाला सर में ए थोड़ा सा अच्छा है, क्योंकि अभी तक मैंने देखा जितने मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए इसके क्वेश्चंस अभी तक नहीं पूछे थे, बट अभी पूछा है तो मैं आपको सारे ऑप्शन भी एक्सप्लेन कर दूंगा। क्या बोल रहे हैं, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्ट डिजोल्व इन वाटर विद एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट, डिजोल्व इन वाटर मतलब सॉल्युबिलिटी और एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट मतलब एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शन की, अगर एंडोथर्मिक रिएक्शन है तो उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ, और इसका एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है KCl। जबकि अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक, तो सॉल्युबिलिटी कम होगा, और इसका एग्जांपल आपके टेक्स्ट बुक में दिया है CaCl2, Li2SO4 .H2O और Na2SO4। तो ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, तो आपको रट्टा हो जाना चाहिए कि KCl जो है वो एंडोथर्मिक रिएक्शन देता है और उसके वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होता है, जबकि CaCl2, Li2SO4.H2O, Na2SO4 ये सब एक्सोथर्मिक देता है। ये आपके टेक्स्ट बुक में दिया और इससे बाहर नहीं आएगा। आप ध्यान से देखो, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिए वही एग्जांपल्स इन्होंने ऑप्शंस में भी दिए, तो इससे बाहर तो कभी नहीं आएगा। अगर आप क्वेश्चन आया ना तो हो सकता है KCl है और हो सकता है इन तीनों में से कोई एक है, बट इससे बाहर तो नहीं आने वाला है। और ये भी याद रख लेना, KCl का रिएक्शन एंडोथर्मिक है और उसका एक्सोथर्मिक है, तो ऑप्शन डी राइट होगा। ये तो हो गया 15 में शिफ्ट 1 का। अब देखो, जो पीसीबी सेक्शन का, चाहे वो फिजिक्स हो चाहे केमिस्ट्री हो, पीसीबी सेक्शन का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही इजी होता है, पीसीएम सेक्शन का फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ही हार्ड होता है, मतलब एज कंपेयर टू पीसीबी से तो हार्ड होता है। क्या बोल रहे हैं, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज, एकदम सिंपल पूछ रहे हैं, बोल रहे डेल्टा टीएफ क्या है, द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, डेफिनेशन ही बोल दिया है, यही तो ऑप्शन राइट है। क्या होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन। और अगर पूछता इसी तरह ये भी पूछ सकता था, द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज, वो भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन ही, ठीक है, एकदम सिंपल था। अब देखो फिर वही ऑस्मोटिक प्रेशर का क्वेश्चन, हर फेज में ऑस्मोटिक प्रेशर हेनरीज, ये तो बहुत ज्यादा बार पूछा है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, 15 में शिफ्ट 2 का सेकंड क्वेश्चन है, आपसे मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछ रहा है, M2 आपसे पूछ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 0.8 ग्राम सॉल्यूट, सॉल्यूट का आपको मास दिया हुआ है 0.8 ग्राम, उसका मोलर मास आपसे पूछ रहा है, इन 0.4 डीएम क्यूब वाटर, वाटर का वॉल्यूम आपको दिया हुआ है, वाटर का जो वॉल्यूम है वो आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 0.4 डीएम क्यूब, कोई दिक्कत नहीं है, डीएम क्यूब को लीटर बोलते हैं, घबराने का गरज नहीं है। Having a osmotic pressure 0.18, osmotic pressure 0.18 दिया है, of temperature 300 Kelvin, temperature 300 Kelvin, एकदम सिंपल है। और R का तो मैंने बोला है ATM में है तो 1/12 ही रखना है, एकदम सिंपल है। क्या होता है पाई वी इक्वल टू एनआरटी, एकदम ध्यान से आप डिराइव कर सकते हो, एकदम आराम से सोचने का, यहां मोलरिटी नहीं पूछा, यहां मोलर मास पूछा है, तो एन को क्या कर दो, तोड़ दो, पाई वी इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू आर,
क्या चाहिए आपको? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो इसको इधर कर दो, एम टू इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी डिवाइड बाय पाई इंटू वी। एकदम सिंपल है, डब्ल्यू टू आपको 0.8 ग्राम दिया हुआ है, आर आप 1/12 रख देना, टी आपको 300 दिया, आंसर वैसे ही 1/12 से कट के 25 आ जाएगा, पाई आपको दिया हुआ है ठीक है 0.18, और उसके बाद वी भी आपको दिया हुआ है 0.4। एकदम सिंपल है जी, और इधर 4 है, इधर 25 है, इधर 0.2 है, 20 आएगा, तो कटेगा ये आंसर, कट के आराम से आंसर आ सकता है ठीक है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन में, जो ऑप्शन ए है वो राइट है। आपको कैलकुलेशन करना है और देखना है कि आपका आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सिंपल मैंने बताया, आप इंस्टा पे मेरे को इसका स्क्रीनशॉट लो लेके भेजो कि सर इस क्वेश्चन में डाउट है, इसका सॉल्यूशन भेजो, मैं आपको लिख के तुरंत भेज दूंगा। समझा क्या आपको? ठीक है, अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट सम की बात करूं, 15 में शिफ्ट 2 का लास्ट, ठीक है ये भी बहुत ही इजी है। क्या बोल रहा है इसमें? सेम वही सम है डेल्टा टीबी वाला, ठीक है फिर से वही सम है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट व्हेन 50 ग्राम सॉल्यूट, डब्ल्यू टू कितना दिया है 50 ग्राम दिया है, इज डिसॉल्व इन अ 150 ग्राम सॉल्वेंट, डब्ल्यू वन कितना दिया है 150 ग्राम, दैट बॉइल्स एट 84 डिग्री सेल्सियस। ये आपको क्या दिया हुआ है? आपको ये जो सॉल्यूशन है उसका आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया 84 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, और ये जो आपका है ये सॉल्वेंट का आपको बॉइलिंग पॉइंट दिया टीबी नॉट कितना 75 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है? डेल्टा टीबी पहले तो निकाल लो, क्योंकि फॉर्मूले में पुट करने से पहले डेल्टा टीबी तो आना चाहिए। तो डेल्टा टीबी क्या होता है? सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस, क्योंकि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट ना, एलिवेशन मतलब कौन बढ़ गया, सॉल्यूशन बढ़ गया, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट माइनस सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट कितना हो जाएगा 84 माइनस 75 9 डिग्री सेल्सियस। क्या डिफरेंस है टेम्परेचर का? तो अगर ये टेम्परेचर का डिफरेंस है तो अगर 9 डिग्री सेल्सियस है तो 9 केल्विन भी होगा, क्यों? क्योंकि डिफरेंस है ना, अगर आप इसको केल्विन में भी कन्वर्ट कर दोगे तो डिफरेंस तो 9 केल्विन ही आएगा ना। डेल्टा टीबी का फॉर्मूला क्या होता है? डेल्टा टीबी इक्वल टू के बी इंटू 1000 इंटू डब्ल्यू टू डिवाइड बाय डब्ल्यू वन इंटू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। आपको क्या पूछा है? मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, ठीक है। तो एकदम इजी सब है, बहुत ही आसानी से कट जाएगा सब कुछ, ठीक है, और इसका ऑप्शन बी आएगा, ठीक है, इसमें जो आंसर आएगा वो ऑप्शन बी आएगा। आपको अभी बैठ के पूरा सॉल्व करना है और आंसर आना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया है कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आंसर आना, ठीक है, क्योंकि आपको सिर्फ 52 सेकंड मिलता है, तो आप बैठ के कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आना चाहिए, सिर्फ फॉर्मूला लिखना बड़ी बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो मैंने 16 में शिफ्ट 1 के 3 क्वेश्चन लिखे और लास्ट वाला 16 में शिफ्ट 2 का है। 16 में शिफ्ट 1 में अगर आप देखोगे तो बहुत ही इजी समय है, विच अमंग द फॉलोइंग लिक्विड मिक्सर एग्जिबिट नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, ठीक है, इसका चौथा समय आई थिंक, ठीक है। तो आपको तो मैंने बोल दिया रट्टा मार लो, आइडियल सोल्यूशन, फिर नॉन आइडियल में भी दो टाइप है, एक तो पॉजिटिव और एक तो नेगेटिव। आइडियल सॉल्यूशन का एग्जांपल है बेंजीन प्लस टोल्विन, जो कि यहां क्या दिया ऑप्शन डी, तो ये इसमें तो नेगेटिव डेविएशन का पूछा है। और पॉजिटिव डेविएशन के आपके दो एग्जांपल है, एक तो है इथेनॉल एंड एसीटोन, दूसरा है कार्बन डाइसल्फाइड एंड एसीटोन, जो कि ऑप्शन ए और बी है। नेगेटिव डेविएशन के भी आपके दो एग्जांपल है, एक तो है फिनॉल प्लस एनिलीन और दूसरा है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। कौन सा ऑप्शन इसमें से है नेगेटिव डेविएशन का? क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। और याद रखो इससे एमसीक्यू फिक्स आता है, किसी ना किसी फेज में इससे एमसीक्यू आएगा ही, मतलब अब तक टोटल 5 बार आ चुका है, ठीक है, अब तक हमने सिर्फ 12 या 14 पेपर किए, तो बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है। तो आपको बस ये 5 एग्जांपल याद रखना है, आइडियल का एक, पॉजिटिव डेविएशन का दो और नेगेटिव का दो, तो इसमें तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है? कैलकुलेट द मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, आपको मोलेलिटी कैलकुलेट करना है स्मॉल m, ठीक है, ऑफ अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हैविंग अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 2.88 केल्विन और kf आपको दिया हुआ है। एकदम सिंपल है, डेल्टा tf इक्वल टू kf इनटू m, kf आपको दिया है, ठीक है, डेल्टा tf आपको दिया है, बस आपको रखना है डेल्टा tf डिवाइड बाय kf, और ये तो ऐसे ही आ जाएगा। देखो कितना है, 2.88 है, ये 14.4 है, जस्ट 2 टाइम्स जा रहा है, लेकिन ये 2.88 है तो इसको 28.8 इनटू 10 टू माइनस 1 करोगे तो 2 से कट जाएगा, इंटू 10 टू माइनस 1 0.2, तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो 0.2
मोल पर किलोग्राम है, बट आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है, सॉल्व करना है आपको, इसको पूरा सॉल्व करके दिखाना है। तो ये आप इसको सॉल्व करना है, इसका आपका 0.2 आ जाएगा। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी एकदम सेम वही टाइप का समय, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 1 ग्राम ऑफ इट इन 100 ग्राम सॉल्वेंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट 0.31 केल्विन, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। एकदम सेम है, डेल्टा टीएफ का फॉर्मूला लगाना है और इसको सॉल्व कर देना है, ठीक है। बहुत बार मैंने ये सब सॉल्व कर चुका हूं, ठीक है। तो इसमें अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ऑप्शन बी आना चाहिए। तो मैं करेक्ट ऑप्शन आपको इसलिए बता दे रहा हूं कि आपको कहीं ना जाना पड़े, कहीं कोई पीडीएफ ना ढूंढना पड़े, कुछ ना करना पड़े, सब इधर ही लिखा हुआ है, सारा मैंने इधर लिखा हुआ है। और अगर आपको फिर भी पीडीएफ चाहिए तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप योमिट्स पे जाके आप ज्वाइन कर लो, उसमें मैंने पीडीएफ डाला है इसका, ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो इसका ऑप्शन बी राइट है, 60 ग्राम पर मोल। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, आप ध्यान से देखो ये सब, फिर यही सब आ गया, हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ पता नहीं कितनी बार ही पूछेंगे, ठीक है। इस बार आपको क्या दिया, प्रेशर, प्रेशर आपको फाइंड करना है, सॉल्युबिलिटी आपको दिया हुआ है, हेनरीज कांस्टेंट आपको दिया हुआ है। तो ये आप सॉल्व करेंगे और जो आपका आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सॉल्व करना अगर आपका 0.05 आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और ट्राई करो कि फटाफट सॉल्व करो, विद इन 52 सेकंड 1 मिनट के अंदर ही करने का ट्राई करो, क्योंकि आपको 90 मिनट्स मिलेगा और 100 क्वेश्चंस करने होंगे। समझा गया आपको, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं 16 में शिफ्ट 2 का, तो इसमें क्या बोल रहे हैं, जो सेकंड क्वेश्चन है 16 में शिफ्ट 2 का, इसमें बोल रहे हैं विच अमंग द फॉलोइंग इक्विमोलर सॉल्यूशन हैज अ मैक्सिमम वॉल्यूम ऑस्मोटिक प्रेशर अज्यूमिंग कंप्लीट आयनाइजेशन, ठीक है। एकदम ही सिंपल सम पूछा है, देखो मैंने आपको बोला है, देखो ऐसे क्वेश्चन आए तो सबसे पहले तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई वॉट ऑफ फैक्टर, ऐसे याद रख लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई करके याद रख लो। अब आपको आई निकालना, इससे अच्छा है कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, आप इस तरीके से मेरा फॉर्मूला याद रखो, ऑस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल। अब आप देखो आपको नंबर ऑफ मोल निकालना है, ठीक है। मान लो कि सब शुरू में एक एक मोलर है क्योंकि कुछ दिया नहीं है, मान लो कि सब एक एक मोल है, जो सॉल्ट है सबका एक एक मोल है, ठीक है। लेकिन क्या है, सब आयनिक सॉल्ट है, टूटेंगे, Li2SO4 को तोड़ोगे तो क्या बनेगा, 2Li प्लस SO4-2। बताओ अगर मैंने एक एक मोल माना और इधर कितने टोटल बने, 3 बने, तो टोटल इसके कितने हुए, 3 मोल। KCl को तोड़ोगे तो 1 K प्लस बनेगा, 1 Cl बनेगा, ठीक है। अगर मैंने KCl का एक मोल माना है तो यहाँ कितने आयन टोटल बन गए, 2, तो 1, 1, 2, इसके टोटल 2 मोल बन गए। अब Al2SO4-3- क्या बनेगा, 2Al+3 प्लस SO4-3SO4-2, टोटल कितने इधर बने, 5, और Al2SO4-3 को मैंने क्या बनाया था, 1 मोल, तो टोटल कितने मोल हो गए इधर, 5 मोल। उसी तरह इसको तोड़ोगे तो Ba+2 + 2Cl-, टोटल इधर कितने मोल हो गए, 3 मोल, 3 आयन और मैंने 1 मोल माना है तो 3 मोल। तो सबसे ज्यादा टूटा, और मैंने क्या बोला था, जिसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोल होंगे उसका ऑस्मोटिक प्रेशर उतना ज्यादा होगा, सबसे ज्यादा किसमें आया, ऑप्शन सी में, 5 मोल, मतलब कि ऑप्शन सी राइट है। समझा गया आपको। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, ठीक है। क्या फाइंड करने को बोल रहा है, मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट मतलब के बी फाइंड करने को बोल रहा है। इफ मोलरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन इज 0.34 एंड डेल्टा टीबी इज इक्वल टू 0.68, क्या हो जाएगा, डेल्टा टीबी डिवाइड बाय मोलेलिटी 0.68 डिवाइड बाय 0.34, मतलब आंसर 2 आएगा, ऑप्शन बी राइट है। समझा क्या आपको, सॉल्व कर लेना आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो थोड़ी देर पहले नेगेटिव डेविएशन का क्वेश्चन पूछा था, अब वही पॉजिटिव डेविएशन का क्वेश्चन पूछ रहा है 17 में शिफ्ट 1 में, सॉरी। तो क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन शोस पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। मैंने आपको बताया है क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन, फिनॉल प्लस एनिलीन, ये दोनों नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं। पॉजिटिव डेविएशन में क्या आता है, इथेनॉल प्लस एसीटोन, बट वो तो दिया नहीं है। और दूसरा एग्जांपल क्या है पॉजिटिव डेविएशन का, कार्बन डाइसल्फाइड प्लस एसीटोन, मतलब कि ऑप्शन ए क्या है, राइट है। समझा क्या, गिन के 5 एग्जांपल याद रखने, रट लो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, 17 में शिफ्ट 1 का अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग 3 ग्राम यूरिया एंड 1.5 ग्राम वाटर, और आपको सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर दिया हुआ है 32, ठीक है, एकदम सिंपल है। क्या होता है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर, डेल्टा पी डिवाइड बाय सॉल्वेंट का प्रेशर इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। बट मैंने इसको
अगर मैं इसको डाइल्यूट सॉल्यूशन मानू तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते n1 by n2 n2 by n1, थोड़ा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं। अगर मैंने इसको डाइल्यूट सॉल्यूट माना तो डेल्टा पी क्या होता है बताओ, डेल्टा पी क्या होता है, P1 naught minus P1 naught सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का डिवाइड बाय P1 naught इक्वल टू N2 क्या हो जाएगा W2 डिवाइड बाय M2, N1 क्या हो जाएगा W1 और ऊपर क्या चला जाएगा इसका मॉलिक्यूलर मास M1। समझा क्या, आपको सारा कुछ दिया हुआ है, P1 naught आपको दिया हुआ है, W2 आपको दिया हुआ है 3 ग्राम, यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है NH2CO NH2, तो यूरिया का मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा NN, दो N है तो 28, ठीक है, एक कार्बन है तो 40, एक ऑक्सीजन है तो 16 56, और चार हाइड्रोजन है तो 60, यूरिया का मॉलिक्यूलर मास 60, वाटर का 18, ठीक है, आपको ये सब रखना है और P1 नॉट दिया हुआ है तो आपको P1 आ जाएगा, सॉल्यूशन का आपको पूछ रहा है। अच्छे से सॉल्व करो क्योंकि कैलकुलेशन वाले अगर आपके पास प्रॉब्लम आए तो आपको आंसर तो लाना ही पड़ेगा, और इसमें आप सॉल्व करोगे तो अगर आपका ऑप्शन डी आ रहा है 28.8 के आसपास आंसर आ रहा है, देखो आसपास का आंसर लाओ क्योंकि देखो ना दूर दूर है आंसर सारे, तो अगर आपका 25-30 के आसपास का भी आंसर है तो ऑप्शन डी आप टिक कर सकते हो। समझा क्या आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी एकदम पहले बताया हुआ क्वेश्चन, एकदम सिंपल है। अ सॉल्यूशन ऑफ 50 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट W2 आपको दिया हुआ है 50 ग्राम, इन 150 ग्राम ऑफ इथाइल एसीटेट W1 आपको दिया हुआ है 150 ग्राम, ठीक है, सो ऑन अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 84.27 डिग्री सेल्सियस, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट दिया 84.27, ठीक है, इफ बॉइलिंग पॉइंट एंड केबी फॉर इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट क्या है यहाँ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट आपको दिया 77.27 और साथ में केबी आपको दिया 2.73। अच्छा बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते सर मैं पहचान नहीं पता कौन सा सॉल्वेंट का है कौन सा सॉल्यूशन का, एक तो स्टेटमेंट में लिखा है, अगर आप फिर भी नहीं समझ पा रहे हो तो बॉइलिंग पॉइंट के केस में सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा हाई होगा और सॉल्वेंट का लो होगा, ऊपर से आप माइनस करोगे तो आंसर तो वही आएगा ना, तो सिंपल पहले तो आप डेल्टा टीवी निकाल दो, 84.27 माइनस 77.27 आ जाएगा 7 डिग्री सेल्सियस, क्या टेम्परेचर का डिफरेंस है तो टेम्परेचर का डिफरेंस तो केल्विन में भी वही रहेगा ना, तो 7 केल्विन। समझा क्या, और उसके बाद आप इसको डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला लगाओ और मोलर मास निकाल लो, ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। समझा क्या, देखो ये सब मैंने क्वेश्चंस बहुत बार बता दिया है, ठीक है, और देखो ऐसा है कि मैंने इनको सॉल्व भी करके बता दिया है, बट आपका आंसर आना चाहिए, आपको सॉल्व करने फटाफट आना चाहिए, ठीक है, तो आपको मोलर मास निकालना है, फॉर्मूला आपको पता ही है, तो अगर आपका 130 आ रहा है तो आप सही हो। समझा क्या आपको, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूं तो 17 में शिफ्ट 2 का ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें अगर मैं बात करूं तो इसमें क्या दिया है, अ 0.5 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ मोनोफ्लोरिक एसिड, मोलैलिटी आपको दिया है 0.5, ठीक है, देखो ये आपको क्या दिया है, ये जो आपको दिया है इसको आप डेल्टा टी एफ डायरेक्ट लिख दो, क्योंकि देखो डेल्टा टी एफ में जब आप 0 - -1.0 डिग्री सेल्सियस देखोगे तो आपका आंसर अल्टीमेटली 1 ही आने वाला है, तो इसको आप डायरेक्ट डेल्टा टी एफ इक्वल टू, ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस लिख दो, बट क्या डेल्टा टी एफ डिफरेंस होता है और डिफरेंस चाहे आप सेल्सियस का निकालो या केल्विन का निकालो डिफरेंस तो उतना ही आएगा, तो डायरेक्ट इसको 1 केल्विन लिख दो क्योंकि वहां आपने वो कैलकुलेशन फटाफट करना है, ठीक है, टाइम पास नहीं करना है, और केएफ कितना आ जाएगा 1.86 केल्विन किलोग्राम पर मोल, डायरेक्ट रख दो डेल्टा टी एफ इक्वल टू, क्योंकि अगर वो दिया है आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर पूछा है, अगर आपको वॉन्ट ऑफ फैक्टर सामने से बोल रहे तो आपको आई लिखना पड़ेगा फॉर्मूले में, आई इंटू एम इंटू के एफ, क्या पूछा है आई पूछा है तो लिख दो डायरेक्ट, ठीक है, आई इक्वल टू डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी एफ कितना दिया है 1 डिवाइड बाय एम कितना दिया है 0.5, के एफ कितना दिया है 1.86, बताओ 0.5 से 1 गया 2, 1.86 से 2 गया तो 1 से थोड़ा सा ज्यादा, मतलब 1.1 बोल सकते हैं, कोई ऑप्शन दिख रहा है क्या, 2.15 हो ही नहीं सकता, 1.30 भी नहीं हो सकता, 1.1 के आसपास, 2.10 ये भी नहीं हो सकता, 1.0 सही है, ऑप्शन ए राइट है। समझा क्या आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, फिर से वही समय केबी या केएफ वाला ही रहेगा, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऑब्टेन बाय डिसॉल्विंग 30 ग्राम
इन 120 ग्राम सॉल्वेंट हैज बॉइलिंग पॉइंट 7.2 केल्विन व्हाट इज द मोलर मास इफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ अ सॉल्वेंट इज दिस। आपको वही सेम चीज पूछा है, एकदम सिंपल है। डब्ल्यू टू आपको दिया है 30, ठीक है, फिर उसके बाद आपको डब्ल्यू वन भी दिया है 120, ठीक है, और जो डेल्टा टी भी है वो भी आपको दिया हुआ है 7.2 केल्विन, ठीक है। मोलर मास आपको कैलकुलेट करना है, के भी आपको दिया है 2.77, एकदम से सिंपल सवाल दिया है इसने, सीधा सीधा कैलकुलेट कर दो, क्या होता है डेल्टा टी बी का फॉर्मूला, के बी इंटू 1000 डिवाइड बाय इंटू डब्ल्यू टू डिवाइड बाय M1 M2 इंटू W1, समझा के अपने को क्या चाहिए, M2 चाहिए ना, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना, तो के बी इंटू 1000 डिवाइड इंटू W2 डिवाइड बाय डेल्टा टी बी इंटू W1, समझा के आपको, आप इसमें वैल्यूज रख दो आंसर आपका आ जाएगा। मेरे को तो लगता है ना ये एलिवेशन और ये डिप्रेशन वाला जो फॉर्मूला है, अब तक कम से कम मैंने कुछ नहीं तो 15 से 17 प्रॉब्लम्स इस पे मैं देख चुका हूँ और करा चुका हूँ, ठीक है। आप इसको सॉल्व करो, इसका आंसर आपका आना चाहिए। अगर आपका 96.2 ग्राम पर मोल आ रहा है तो आप राइट हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये तो आप क्वेश्चन देख के आंसर बता सकते हो। व्हाट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज ऑब्टेन व्हेन क्लोरोफॉर्म इज मिक्स्ड विद एक्सेस नाइट्रोजन। देखो जो ज्यादा होता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं, जो कम होता है उसको सॉल्यूट बोलते हैं। एक्सेस नाइट्रोजन बोल रहे हैं तो मतलब नाइट्रोजन क्या है, सॉल्वेंट है, और नाइट्रोजन क्या होता है, गैसेस होता है, तो गैसेस सॉल्वेंट। देखो ये भी ऑप्शन में, ये भी ऑप्शन में, लेकिन क्लोरोफॉर्म किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, ठीक है। तो क्लोरोफॉर्म कैसे बिहेव करेगा, सॉल्यूट की तरह, लिक्विड एज सॉल्यूट एंड गैस एज सॉल्वेंट, मतलब ऑप्शन बी क्या होगा, राइट होगा, समझा क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा है, कैलकुलेट बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन, मतलब डेल्टा टी भी अपने को कैलकुलेट करना है। डिजॉल्व इन अ सॉल्वेंट फॉर्म सॉल्यूशन हैविंग मोलैलिटी दिया हुआ है, केबी भी आपको दिया हुआ है, क्या डायरेक्ट फॉर्मूला बोल दिया है, मोलैलिटी इनटू केबी, ठीक है। मोलैलिटी कितना दिया है 0.7, केबी कितना दिया है, केबी आपको दिया हुआ है 2.5, तो डायरेक्ट अगर 0.7 को 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो 1.75 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन ए 1.75 केल्विन, समझा के आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और ये जो क्वेश्चन है 18 में शिफ्ट 1 का है, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट सम की बात करूं 18 में शिफ्ट 1 का, तो 18 में शिफ्ट 1 में एकदम सिंपल वही सम है फिर से, डेल्टा टीएफ वाला आपको अच्छे से सॉल्व करना है। क्या-क्या दिया हुआ है ये देखो, आपको मोलर मास दिया हुआ है सॉल्यूट का M2, M1 दिया हुआ है 100, डेल्टा टीएफ दिया है 0.2, और आपको दिया हुआ है केएफ। इस बार आपको मास ऑफ सॉल्यूट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेट करना है, W1। बहुत ही सिंपल कैलकुलेशन है, सारे वैल्यू आप बहुत ही अच्छे से कट जाएंगे, ठीक है, और जो फाइनल आंसर आएगा वो 1 ग्राम आएगा, तो आपको सॉल्व करने के बाद B इक्वल टू 1 ग्राम आना चाहिए। कौन सा फॉर्मूला लगाओगे, डेल्टा टीएफ इक्वल टू केएफ इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइड बाय W1 इंटू M2, जिनमें से अपने को चाहिए क्या, W2 चाहिए, एकदम सिंपल है, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ये भी वही है, हेनरीज लॉ है, आपको क्या दिया हुआ है, के दिया हुआ है हेनरीज कांस्टेंट, पार्शियल प्रेशर आपको दिया हुआ है, सॉल्युबिलिटी कैलकुलेट करना है, एस इक्वल टू के एच इंटू पी, ठीक है। इसमें जो आप इसको सॉल्व करो एकदम इजी सम, एकदम डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो आंसर आएगा वो ऑप्शन ए आएगा 4.795 × 10⁻²। तो अगर आपका ये आ रहा है तो बहुत ही सही है और एकदम इजी तो है, 0.7 को 6.85 से मल्टीप्लाई करो, और ध्यान से देखोगे अगर इसको 7 बना इसको 7 बना तो 4.9 जैसा कोई ऑप्शन है, यही तो है ऑप्शन, नहीं थोड़ा सा आसपास है, मतलब यही राइट है, समझा क्या, तो ये सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्या दिया है, कैलकुलेट द वांट ऑफ फैक्टर, वही सेम सम आई पूछा है, फॉर फॉर्मिक एसिड इफ 0.01 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मिक एसिड फ्रीजेस एट -0.021 डिग्री सेल्सियस, और केएफ आपको दिया हुआ है। मैंने आपको कहा है माइनस वगैरह हटा देने का, डायरेक्ट डेल्टा टीएफ रखने का, डेल्टा टीएफ इक्वल टू आई इंटू एम इंटू केएफ, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टीएफ डिवाइड बाय एम इंटू केएफ, ठीक है। डेल्टा टीएफ का वैल्यू कितना दिया हुआ है, इधर डेल्टा टीएफ आपको दिया हुआ है 0.021, ठीक है, उसके बाद केएफ भी आपको दिया हुआ है, मोलैलिटी भी आपको दिया हुआ है, सॉल्व कर लेना आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि आंसर आपको ही सॉल्व करना, कैलकुलेशन आपको आना चाहिए, और इसके पहले मैंने
पहले मैंने इसके 3-4 सम सॉल्व कराए हैं अच्छे से, ठीक है। तो अगर आपने वो देखा है तो आपको ये भी आ जाएगा, ठीक है। इसका आपका ऑप्शन ए आएगा, ठीक है। नेक्स्ट सम की बात करो, नेक्स्ट क्या लिखा है, विच अमंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज यूज टू डिटरमाइन द मोलर मासेस ऑफ वेरी एक्सपेंसिव सब्सटेंस, ठीक है। ये नया क्वेश्चन है, अभी तक का ये पहला क्वेश्चन है। जो एक्सपेंसिव सब्सटेंसेस होते हैं उनका मोलर मास के लिए हम लोग कौन सा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करते हैं, आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आप याद रखो। हो सकता है अगर आपके एग्जाम में आ गया याद नहीं रहा तो आप टिक नहीं कर पाओगे। तो इसका आंसर है ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द फॉर्मूला फॉर डिटरमिनेशन ऑफ रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलर मास। देखो कितना सिंपल क्वेश्चन पूछा, डायरेक्ट फॉर्मूला पूछे, ठीक है। फिर भी मैं एक बार डिराइव कर देता हूं, क्या पाई वी इक्वल टू एन आर टी होता है, तो क्या पाई वी इक्वल टू एन क्या हो जाएगा, डब्ल्यू टू डिवाइड बाय एम टू इंटू आर टी। तो क्या आ जाएगा एम टू का फॉर्मूला, डब्ल्यू टू आर टी डिवाइड बाय पाई इंटू वी। कौन सा ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, डब्ल्यू टू इंटू आर टी डिवाइड बाय पाई बाय वी, कौन सा दिख रहा है। देखो ऑप्शन ए, समझा क्या, एम टू इक्वल टू डब्ल्यू टू आर टी डिवाइड बाय पाई बाय वी, समझा क्या। बहुत ही इजी पेपर आता है सिटी का, इतने सारे सब हमने कर लिए ना कि अब हमसे एटलीस्ट सॉल्यूशन का हो ही जाएगा, मतलब ऐसा तो है ही नहीं कि नहीं होगा। अगर आपने ईमानदारी से पूरा देखा है तो हमने पूरा सॉल्यूशन क्वेश्चन से कवर कर लिया है, समझा क्या आपको, ठीक है। अब अगर आपसे मैं नेक्स्ट क्वेश्चन का बात करूं तो 19 में शिफ्ट 1 का एक क्वेश्चन मैंने यहां लिख दिया था ऑलरेडी, ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो था। अब बाकी के दोनों 19 में शिफ्ट 1 के मैंने क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देखो एकदम सिंपल है, वही हेनरीज लॉ आपसे पूछा है, तो आप इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी इसमें राइट है। अगर आपका ऑप्शन सी आ रहा है 5.21 into 10 to minus 2, तो आप राइट हो, ठीक है। इसको नोट कर लो और इसको सॉल्व करो पहले, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इफ 3 ग्राम सॉल्यूट डिसॉल्व इन 36 ग्राम वाटर, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.0025, ठीक है। और आपको मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पूछा है, चलो मैं इसका पहले तो सब पूरा फॉर्मूला एक साथ लिख देता हूं। जो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है उसका फॉर्मूला होता है लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट माइनस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, और ये किसके बराबर होता है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर। और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, समझा क्या। इसी फॉर्मूले को आपको घुमा फिरा के हमेशा पूछता है, इतना आपको समझ गया क्या। अच्छा कभी कभी इस फॉर्मूले में अगर हम डाइल्यूट सॉल्यूशन लेते हैं तो इसको हम इग्नोर कर देते हैं, इस N2 को, अगर सॉल्यूट बहुत ही कम है एकदम डाइल्यूट है तो N1/N2 भी लिख देते हैं कभी कभी, ठीक है। N2 तो ऊपर है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन है तो N2/N1 भी लिख देते हैं, ठीक है, अगर एकदम डाइल्यूट सॉल्यूशन है, समझा क्या आपको। अच्छा अब इसमें क्या पूछा है, मोलर मास सॉल्यूट का पूछा है, आपको सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है 3 ग्राम और 36 ग्राम वाटर दिया हुआ है, ठीक है, और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर दिया है, तो क्या फॉर्मूला यूज होगा, डायरेक्टली रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू, क्योंकि ये दिया हुआ है, ठीक है, इक्वल टू डायरेक्ट N2/N1 मोल ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि आप डायरेक्ट इसको रख देने का, क्योंकि डाइल्यूट सॉल्यूशन के ही एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, तो डायरेक्ट N2/N1, तो क्या हो जाएगा N2 वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, और यहां मास ऑफ सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको कितना दिया है, 0.025 इक्वल टू W2 कितना है 3, डायरेक्ट पहले मैं M2 इधर लिख देता हूं ना, M2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, W2 M1 डिवाइड बाय रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू W1, W2 कितना दिया 3, M1 कितना होता है वाटर का मोलर मास 18 डिवाइड बाय रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना दिया है 0.025, इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 25 × 10⁻³। थोड़ा सा मैं इसको अगर डायरेक्ट लिखूं तो इसको मैं डायरेक्ट ऊपर 10⁻³ लेके चला गया, -3 था, ठीक है, इनटू W1 कितना है 36, ठीक है,
एक कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और ये 18 है और ये 2 हो गया, तो ये 3 और ये 2, 6 के टेबल से कट कर दो। अब क्या हो जाएगा, 1000 इंटू 3 डिवाइड बाय 25, कितना आ जाएगा 25 से, अगर आप इसको 25 से कट करोगे इंटू 2 तो ये कितना आ जाएगा 40, और 40 को अगर 2 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 20, और 20 इंटू 3 कितना आ जाएगा 60। तो कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन सी, 60 ग्राम पर मोल। समझा क्या? नेक्स्ट क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन एग्जिबिट द हाइएस्ट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो AlP4 होगा एक्चुअली। ठीक है, तो यही एमसीक्यू है जो 19 में शिफ्ट 2 का पहला एमसीक्यू है। तो आपसे पूछा है हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया है डेल्टा टीबी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई इंटू एम होता है, बट मैंने आपको बोला आप इस तरीके से याद रखो, डेल्टा टीबी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, जिसका नंबर ऑफ मोल ज्यादा उसी का बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन भी ज्यादा। बताओ, मान लिया सबका एक एक मोल है, लेकिन क्या NaCl के दो आयन निकलेंगे, दो आयन्स निकलेंगे तो कितने मोल हो जाएंगे, दो मोल हो जाएंगे। AlPO4 के कितने आयन निकलेंगे, इसके भी दो ही आयन निकलेंगे, Al+3 PO4-3, तो दो आयन निकलेंगे तो दो मोल। MgCl2 के कितने आयन निकलेंगे, तीन, एक तो Mg+2 +2Cl-, तो अगर तीन आयन निकलेंगे तो तीन मोल, और इसके भी दो ही मोल निकलेंगे, K+Cl-, दो आयन निकलेंगे तो दो मोल। सबसे ज्यादा मोल किसके है, MgCl2 के, मतलब ऑप्शन सी राइट है। समझा क्या आपको, हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट पूछ रहा था। नेक्स्ट 19 में शिफ्ट 2 का एकदम सेम सम पूछा है, रिलेटिव लोडिंग और वेपर प्रेशर वाला, एकदम सिंपल सम है। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, X2 आपको निकालना है इन द सॉल्यूशन इफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज 25.8, P1 आपको दिया है 25.8 एंड वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज 24.1 mmHg, और P1 आपको दिया है 25.8 और P1 आपको दिया है 24.1। बस इस फॉर्मूले में आपको सब्स्टिट्यूट करना है, आपका X2 आ जाएगा। ठीक है, तो अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर ऑप्शन सी आना चाहिए, 0.066। अगर आपका कैलकुलेट करने के बाद 0.066 आ रहा है तो आप पूरे तरीके से राइट हो। समझा क्या आपको। ठीक है, अब अगर आपसे मैं 19 में शिफ्ट 2 का लास्ट क्वेश्चन का बात करूं, तो ये 19 में शिफ्ट 1 में क्वेश्चन आ चुका है, वही सेम क्वेश्चन जिन्होंने 19 में शिफ्ट 2 में पूछा है, विद इन अ डे जो पेपर होता है उसमें भी इन्होंने सेम क्वेश्चन पूछ लिया है। ठीक है, क्या बोला है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, कौन सा ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन ए, M2 = W2RT/πV। ये मैंने ऑलरेडी ये फॉर्मूला अभी आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज अ यूनिट ऑफ अ इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। अब बाकी के तीन क्वेश्चन जो है 20 में शिफ्ट 1 का है, तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट मतलब केबी, केबी का यूनिट क्या होता है, केल्विन किलोग्राम पर मोल, ऑप्शन बी। इतनी बार तो इसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिया हमने कि रट गए अपने को, केबी पूछे या केएफ पूछे, मतलब यहां तो केबी पूछा इब्लियोस्कोपिक, हो सकता है क्रायोस्कोपिक पूछे, तो क्रायोस्कोपिक का भी वही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, मतलब कि डेल्टा टीएफ आपको कैलकुलेट करने बोल रहे हैं। ठीक है, ऑफ सॉल्वेंट व्हेन 20 ग्राम ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट विथ मोलर मास 60 ग्राम पर मोल इज डिसॉल्व इन अ 1180 ग्राम सॉल्वेंट, और केएफ आपको दिया हुआ है, मतलब आपको W2 दिया हुआ है 20 ग्राम, W2 का जो मोलर मास है M2 वो आपको दिया हुआ है 60 ग्राम पर मोल, और W1 का जो मास दिया हुआ है आपको 1180 दिया हुआ है सॉल्वेंट का मास, और आपको KF दिया हुआ है 1.18। ठीक है, तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या होगा, डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू 1000 डिवाइड इंटू W2 डिवाइड बाय M2 इंटू W1। तो KF की वैल्यू कितनी दी है, 1.18 इंटू 1000 डिवाइड बाई W2 कितना दिया है 20, M2 कितना दिया हुआ है 60, और W1 कितना दिया हुआ है 1180। तो 1.18 से 1180, देखो CT में जो भी है इसके कैलकुलेशन से बहुत ही इजी आते हैं, सीधा सीधा कटता है, 1.18 1180 से कटेगा तो कितना आएगा 1000 आएगा, फिर ये 1000 इससे गया
ठीक है, 20/60 मतलब कितना आ जाएगा, 0.33। 0.33 ऑप्शन में है क्या? हाँ ऑप्शन ए, तो क्या आ जाएगा 0.33 केल्विन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट वही सेम क्वेश्चन है रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर का। व्हाट इज द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन, मतलब आपसे P1 पूछा है, ठीक है, बाय डिसॉल्विंग यूरिया इन वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, मतलब सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर आपको दिया है 17 एंड रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज 0.025। रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको क्या दिया हुआ है, 0.025। एकदम सिंपल है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इक्वल टू सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर माइनस सॉल्यूशन का प्रेशर डिवाइड बाय सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर। P1 not आपको दिया हुआ है, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर भी दिया हुआ है, आपको P1 कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करो आंसर आएगा, ठीक है, कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन ए, ठीक है, सॉल्व करना अगर आपका 16.58 आ रहा है तो आप राइट हो, ठीक है। अब अगर इस वीडियो के मैं लास्ट पार्ट की बात करूं तो टोटल हमने 23 फेज के एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, 12 पीसीएम के और 11 पीसीबी के। एक पीसीबी का लास्ट फेज का है, 20 में सिर्फ 2 के तीनों एमसीक्यूज है। सबसे पहला एमसीक्यू क्या बोल रहा है, अ सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज ऑब्टेन्ड बाय डिसॉल्विंग 19 ग्राम इन 200 ग्राम वाटर। मतलब आपको मास ऑफ सॉल्यूट दिया है 19 ग्राम एंड मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है 200 ग्राम। सॉल्यूट को हम 2 से डिनोट करते हैं और सॉल्वेंट को 1 से, तो मास ऑफ सॉल्यूट 19 ग्राम और सॉल्वेंट का मास 200 ग्राम। और सॉल्वेंट का मोलिकुलर मास अपने को पता ही है, वाटर है तो 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। और अपने को सॉल्यूट का निकालना है और रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 0.03। तो मैंने ऑलरेडी आपको इसके सारे फॉर्मूले एक साथ बता दिए। यहाँ क्या आपको एक तो सॉल्वेंट दिया है, एक तो सॉल्यूट दिया है। सॉल्वेंट सॉल्यूट के केस का फॉर्मूला क्या होगा, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू N2/N1। क्या हो जाएगा, W2 मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू W1 मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। अपने को क्या चाहिए, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए, तो M2 इक्वल टू W2 इनटू M1 डिवाइड बाय रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर इनटू W1। W2 कितना दिया हुआ है, 19, M1 कितना वाटर का, 18, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर कितना दिया है, 0.03 एंड मास ऑफ वाटर कितना दिया है, 200। तो एकदम सिंपल टाइप का क्वेश्चन है। अगर मैं इसको 18 को 2 से कट करूं तो ये 9 आएगा और ये 100 आएगा, ठीक है। तो क्या 100 0.03 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और 9 × 9 171 और 100 0.03 से मल्टीप्लाई होगा तो 7 और इसको कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 57। कौन सा ऑप्शन है इसमें, ऑप्शन ए, मतलब एकदम सिंपल टाइप का है, मैंने इसको करा दिया। बट इसको मैंने कितनी बार, बहुत सारे क्वेश्चन हमने देख चुके हैं, तो इसका आएगा आंसर 57। नेक्स्ट क्या है, कैलकुलेट द मोलर एलिवेशन कॉन्स्टेंट, मतलब आपको KB फाइंड करने बोल रहा है। If of solvent boiling point elevation solution of non-volatile solute is 0.125, आपको डेल्टा टी भी दिया है 0.125 एंड मोलेलिटी आपको दिया है 0.25। एकदम सिंपल है, क्या होता है, डेल्टा टी भी इक्वल टू KB इंटू एम, तो KB की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा टी भी बाय एम। डेल्टा टी भी कितना दिया है, 0.125 और एम कितना दिया, 0.25। कट करोगे इसको इससे तो कितना आ जाएगा, 1/2 मतलब 0.5 केल्विन किलोग्राम पर मोल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी। समझा गया आपको। लास्ट क्वेश्चन की बात करूं तो देखो इसी क्वेश्चन से आज अपने स्टार्ट हुआ था, जहां से स्टार्ट है वहीं हम एंड कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। क्या बोल रहा है, विच अमंग द फॉलोइंग सॉल्यूशन इज मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन अज्यूमिंग अ कंप्लीट आयनाइजेशन। आपसे पूछ रहा है कि सबसे मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन किसका होगा, तो देखो डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I इनटू M, I मतलब वन टॉप फैक्टर, M इनटू मोलेलिटी।
बट मैं तो आपको बोलता हूँ आप नंबर ऑफ मोल से देखो, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल, जिसका नंबर ऑफ मोल आपका ज्यादा आएगा ना उसी का डेल्टा टी एफ ज्यादा होगा, और ये आपको निकालना बहुत ही इजी पड़ेगा। 0.1 मोलल, 1 मोलल मतलब 0.1 मोल इन 1 किलोग्राम सॉल्वेंट, तो ऐसा मैं बोल सकता हूँ कि 0.1 मोल, और NaCl कितने आयन देता है, 2, तो 0.1 into 2 कितना होगा, 0.2 मोल। अच्छा मिनिमम पूछा इसमें, तो सबसे कम किसका आएगा वो देखना है अपने को, ए कितना दे रहा है 0.2 मोल देख रहे हैं, और KNO3 कितने आयन देगा, 2 देगा, एक के प्लस और एक NO3 माइनस, तो 0.2 into 2 कितना आ जाएगा, 0.4 मोल आ जाएगा, तो और ज्यादा आ गया। फिर ए कितना दिया है 0.1 मोल, और फिर Na2SO4 कितने आयन देगा, टोटल 3 देगा, 2Na+ और एक SO4-2, तो 0.1 into 3 कितना आ गया, 0.3 मोल आ गया। अच्छा लास्ट ऑप्शन की बात करते हैं कितना है, 0.05 मोल। CaCl2 कितना देगा, टोटल 3 आयन देगा, Ca+2+2Cl-, तो 0.05 को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, 0.15। क्या सबसे कम यही है 0.15, तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी। उसने मिनिमम पूछा है कि कौन से सॉल्यूशन का मिनिमम फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन होगा, तो ऑप्शन डी। समझा क्या आपको, ये क्वेश्चन हमने सेम क्वेश्चन पीछे कर चुके, इवन डेटा भी सेम है, ठीक है। तो ये मैंने आपको पूरा सॉल्यूशन बता दिया, सारे 70 जो MCQs है सारे के सारे मैंने लिखे, सारे के सारे मैंने डिस्कस किए, जो सेम और सिमिलर टाइप के वो मैंने आपको होमवर्क दिया है, वो भी उसके उसको भी मैंने लिखा है, और उसका भी मैंने आंसर आपको बता दिया है कि ये आएगा, तो आप पूरा सॉल्व कर लो। फिर भी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला है, आप जाके व्हाट्सएप चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करो, क्योंकि एक वीडियो बनाने में 8-8 घंटे जाते हैं, ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करो, क्योंकि ये वीडियो फ्री है तो उनका भी हेल्प हो जाएगा। समझा क्या आपको, ठीक है, थैंक यू।